तो स्टार्टिंग विथ जिब्रेलिक एसिड जो कि हमारा सेकेंड फाइटो हॉर्मोन है और अगेन वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है जस्ट लाइक ऑक्सिन। तो अगर हम बात करते हैं तो ये सेकेंड ग्रुप ऑफ प्लांट हॉर्मोन है जिसको कि हम जिब्रेलिन्स कहते हैं, इसको हम शॉर्टकट में जीए यानी कि जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। इसकी जो डिस्कवरी हुई है उस डिस्कवरी के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है इसकी नंबरिंग की गई है, यानी आप देखोगे जीए 1, 3, 4, 12, 59 इस तरीके से नंबरिंग जो आप देखोगे तो उनको नंबरिंग लिखी दी गई है अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी यानी जिस सीक्वेंस में उनको डिस्कवर किया गया है। तो ये जो ग्रुप है ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड को कंसिस्ट करता है यानी इसमें बहुत वैरायटी ऑफ जो है जिब्रेलिन्स देखने को मिलते हैं, ऑल ऑफ विच आर टेट्रासाइक्लिक यानी चार रिंग वाले जो है स्ट्रक्चर होते हैं इनके पास, ये डाइटारपिनोइड एसिड होते हैं। तो डाइटारपिनोइड एसिड होने का मतलब हो गया कि इनके पास ये एक तरीके से जो है टारपिन ग्रुप से बिलोंग करते हैं जो कि एक प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है। और इनकी बात की जाए तो ये डाइटारपिनोइड होते हैं। डाइटारपिनोइड मतलब कितने कार्बन होंगे इसके पास, एनीवन? यस, कितने कार्बन होंगे इनके पास? हेमी 5 का होता है, मोनो 10 का होता है, तो डाई कितने का हो जाएगा? 20 का, 20 कार्बन। ठीक है, मोनो होता है 10 का, मोनो टारपिनोइड होते हैं 10 के, डाई टारपिनोइड होते हैं 20 कार्बन के। ठीक है, बट ओनली अ फ्यू ऑफ विच प्राइमरली द जीए 1, 3, 4, 7 हैव द इंट्रेंसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि इतने वैरायटी ऑफ जिब्रेलिन्स में सारे जिब्रेलिन्स एक्टिव नहीं है, यानी सारे के सारे जिब्रेलिन्स वर्किंग फॉर्म में नहीं है, कुछ ही बायो एक्टिव जिब्रेलिन्स है जैसे कि 1, 3, 4, 7 यानी जिब्रेलिक एसिड 1, 3, 4, 7 ये जो जिब्रेलिन्स हैं ये बायो एक्टिव जिब्रेलिन्स हैं। अक्सर मैक्सिमम जगह पे जहां पे आप जिब्रेलिन्स को वर्क करते हुए देखोगे इन्हीं चारों में से कोई इन्वॉल्व होगा वहां पे। देर आर टू क्लासेस बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ईदर 19 कार्बन और 20 कार्बन। अब जो जिब्रेलिन्स होते हैं उनके पास ऐसे भी जिब्रेलिन्स हैं जिनके पास 19 कार्बन है और ऐसे भी हैं जिनके पास 20 कार्बन है। 90 कार्बन फॉर्म आर इन जनरल द बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ जिब्रेलिन्स, और जब ये 20 कार्बन वाले जिब्रेलिन्स को हम 19 कार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं तब ये 19 कार्बन वाला जिब्रेलिन बायो एक्टिव फॉर्म में चला आता है। जो अगर हम बात करते हैं दैट इज मोस्ट स्ट्राइकिंग इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव जिब्रेलिन अचीव थ्रू द रोल इन प्रमोटिंग द सेल इलोंगेशन इज द इंडक्शन ऑफ इंटरनोड इलोंगेशन इन द ड्रॉप सीडलिंग्स। इनका वन ऑफ द मेन फंक्शन क्या है कि जो स्टेम होता है ना उसको इलोंगेट करवाते हैं, जो इंटरनोड होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक पौधा है, ये है इसका स्टेम कुछ इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं दैट इज ये एक इंटरनोड है, ये एक इंटरनोड है। इस इंटरनोडल इलोंगेशन को, कोई पौधा छोटा है ठीक है, तो उसके इंटरनोड को अगर आप लंबा कर देते हो तो वो पौधा भी लंबा हो जाता है, टॉल हो जाता है। तो ड्रॉप सीडलिंग यानी ऐसा पौधा जो कि छोटा रह गया है, तो ड्रॉप सीडलिंग के इंटरनोड को इलोंगेट करने में जिब्रेलिक एसिड मदद करता है अगर आप उसे इंट्रोड्यूस करते हैं तो। और ये कैसे करता है? बाय डूइंग द सेल इलोंगेशन। जिब्रेलिन्स हैव अदर डाइवर्स रोल ड्यूरिंग द प्लांट लाइफ साइकिल, जैसे कि ये सीड का जर्मिनेशन प्रमोट करता है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, फ्लावरिंग का ट्रांजिशन करता है, पॉलन डेवलपमेंट करता है, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ करवाता है एंड फूड डेवलपमेंट भी करवा सकता है, इन सब में इसका रोल होता है। जिब्रेलिन्स प्रमोट करता है स्टेम के ग्रोथ को और इसको डिस्कवर किया गया था फुलिश सीडलिंग डिजीज में, जिसको कि हम बेकाने भी कहते हैं, और ये स्पेशली राइस प्लांट में देखने को मिला था। जब उस राइस प्लांट को एक फंजाई ने अफेक्ट कर दिया था तो वो राइस प्लांट एक डिजीज से सफर करने लगा था जिसका नाम था फुलिश
सीडलिंग डिजीज। चलिए अब डिस्कवरी के बारे में समझते हैं इसकी। तो डिस्कवरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जिबरिन को फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया था इची कुरुसावा के द्वारा, दैट इज इन 1926, और इसको आइसोलेट किया गया था यबूता एंड सुमुकी के द्वारा, दैट इज इन 1930, एज अ नेचुरल प्रोडक्ट इन द फंगस नेम्ड जिब्रेला फुजिकोरोई। तो कहानी ये है कि एक फंगस पाया जाता है जिसका नाम है जिब्रेला फुजिकोरोई। आज के दिन उसको रीनेम करके फुजेरियम फुजिकोरोई रख दिया गया है नाम उसका, तो उसका नया नाम है फुजेरियम फुजिकोरोई। ये फंगस एक कंपाउंड सिक्रीट करता था। इस कंपाउंड को जो है बाद में आइसोलेट किया गया फंजाई से और नाम दे दिया गया जिब्रेलिंस, बिकॉज ये जिब्रेला में देखा गया था, क्योंकि पहले का नाम इस फंजाई का क्या था, दैट इज जिब्रेला फुजिकोरोई था। तो जिब्रेला जो केमिकल सिक्रीट कर रहा था, हेंस उसको नाम दे दिया गया जिब्रेलिंस बाय यबूता एंड सुमुकी साइंटिस्ट। तो देखा क्या गया था कि जो राइस प्लांट था वो राइस प्लांट इस जिब्रेला फुजिकोरोई के द्वारा इन्फेक्ट कर दिया गया, यानी कि फंगस ने राइस प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया। तो राइस प्लांट जो है एबनॉर्मली टॉल होने लगा, यानी जरूरत से ज्यादा लंबा होने लगा वो राइस प्लांट, जिसकी वजह से उसमें लॉजिंग शुरू हो गया, यानी कि वो जमीन पे जो है वो प्लांट गिरने लगा। क्योंकि कोई चीज जैसे बहुत लंबा हो जाता है तो आपको पता है कि उसको किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, और अनवांटेडली अगर वो लंबा होता जा रहा है तो दैट इज अ इंडिकेशन कि वो जमीन पे गिरेगा ही गिरेगा। तो वही हो रहा था कि बार इतना टॉल हो गया था राइस प्लांट इस फंजाई से इन्फेक्ट होने के बाद कि वो जमीन पे गिरता जा रहा था, जिसकी वजह से उसने लंबाई तो ले ली थी लेकिन उसने कुछ अच्छा यील्ड नहीं दिया, यानी अच्छी अच्छी जो है उपज नहीं दी। एक फसल क्या होती है, अच्छी उपज, यानी कि हमको अच्छा प्रोडक्ट देती है, तो हम कहते हैं वो हमको अच्छा यील्ड दे रही है। तो ये राइस प्लांट लंबा तो हुआ लेकिन इसने यील्ड अच्छा नहीं दिया, हेंस इसको नाम दिया गया बेकाने, जिसका मतलब होता है फुलिश सीडलिंग डिजीज, यानी कि ये पौधा लग तो रहा है कि ये बहुत अच्छा है, लंबा चौड़ा ग्रो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये फुलिश बना रहा है, जो सीडलिंग हमको मिल रही है वो अच्छी नहीं मिल रही है, यील्ड हमको अच्छी नहीं मिल रही है। ये जो ओवर ग्रोथ हमको देखने को मिला, सच ओवर ग्रोथ कैन बी रिप्रोड्यूस बाय अप्लाइंग जिब्रेलिंस टू दी अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग। और आज के टाइम भी अगर आप चाहो तो ये फुलिश सीडलिंग जो है आप क्रिएट कर सकते हो। कैसे? एक अनइन्फेक्टेड राइस प्लांट में आप जो है जिब्रेलिंस बाहर से अप्लाई कर दीजिए, वो राइस प्लांट आपको फुलिश सीडलिंग डिजीज शो करने लगेगा, यानी वो अनवांटेडली टॉल हो जाएगा। सो द फुजेरियम फुजिकोरोई प्रोड्यूस सेवरल डिफरेंट जिब्रेलिंस। फुजेरियम फुजिकोरोई बहुत सारे जिब्रेलिंस को प्रोड्यूस करता है, जिसमें से सबसे ज्यादा अबंडेंट जो है वो GA3 था, और इसको जिब्रेलिक एसिड कहा गया। शॉर्ट आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ जिब्रेलिन फ्रॉम द फुजेरियम फुजिकोरोई, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द प्लांट ऑल्सो कंटेन अ जिब्रेलिन लाइक सब्सटेंस। अब अगर आप ध्यान दें यहां पर, तो इसको फंजाई से आइसोलेट किया गया, अभी भी प्लांट से आइसोलेट नहीं किया गया था, लेकिन आगे चल के जब इसको स्टडी किया गया तो पता चला प्लांट में भी जिब्रेलिन लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, लेकिन इसका अबंडेंस काफी ज्यादा लो होता है कंपेयर टू द फंगस, यानी फंगस में ये ज्यादा पाया जा रहा है और प्लांट में इसका मात्रा कम है। तो जो पहला प्लांट जिब्रेलिन जो आइडेंटिफाई किया गया था वो था GA1, जो कि रनर बीन सीड में से जो है एक तरीके से एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो हमें प्लांट में जो पहला जिब्रेलिन मिला वो था GA1, लेकिन फंजाई से जो पहला जिब्रेलिन मिला था वो था GA3। करेंटली अगर देखा जाए तो 136 जिब्रेलिन आइडेंटिफाई किए गए हैं फ्रॉम प्लांट, फंजाई एज वेल एज बैक्टीरिया। ठीक है, तो कहानी इंटरेस्टिंग लगी, कहां से नाम आया, कहां से इसकी एग्जिस्टेंस आई। हमने क्लास 12th में जिब्रेलिंस पढ़ा है, राइट? सभी ने पढ़ा होगा। हाँ जी, सभी ने पढ़ा है। यहाँ पर क्लास 12th की साइंस तो सबने पढ़ी होगी, जो भी बच्चे यहाँ पर हैं 11th या 12th में शायद सभी ने पढ़ा होगा।
फटाफट से मुझे जरा कॉमन फंक्शन बताइए जिब्रेलिक एसिड के, क्या आपको याद है अभी फिलहाल में? यस, एनसीईआरटी की बात करें तो 11th में था। यस, सीड जर्मिनेशन सबसे कॉमन फंक्शन था कि किसी बीज को जर्मिनेट करना है तो उसमें जिब्रेलिक एसिड चाहिए होता है, उसका कंसंट्रेशन हाई चाहिए होता है। और एक और है कि ये प्लांट को लंबा होने में मदद करता है, यानी इंटरनोडल इलोंगेशन करवाता है। ये दो मेन फंक्शन है जिब्रेलिक एसिड के, सीड जर्मिनेशन एंड इंटरनोडल इलोंगेशन। ये प्लांट को टॉल करेगा और साथ ही साथ जो है सीड को जर्मिनेट करने में मदद करेगा। कोई ऐसा भी है जो सीड को जर्मिनेट करने से रोकता है, कोई ऐसा फाइटो हार्मोन? यस, और एक और फंक्शन भी हमने पढ़ा था जैसा कुसुम मेंशन कर रही है, वर्नलाइजेशन का सब्सिट्यूट, हमने कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था। जिब्रेलिन इज अ कॉम्प्लान ऑफ प्लांट, बिल्कुल कह सकते हैं आप, जैसे कि कॉम्प्लान इज अ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ठीक है, वैसे ही जिब्रेलिक एसिड इज अ सीक्रेट ऑफ प्लांट्स एनर्जी या प्लांट्स हाइट आप कह सकते हो। बिल्कुल, एबीए जो है वो सीड को जर्मिनेट होने से रोकता है। तो कुछ केस स्टडी में बताती हूँ आपको और जीए का एप्लीकेशन बताती हूँ। जैसे कि फुजेरियम फुजिकोरोई जो है ये सेवरल टाइप के जिब्रेलिन्स को प्रोड्यूस करता है, जिसमें से जीए थ्री सबसे ज्यादा अबंडेंट था, ठीक है, जिसको जिब्रेलिक एसिड कहा गया, विच कैन बी ऑप्टेन कमर्शली फ्रॉम हॉर्टिकल्चर एंड एग्रोनॉमिक यूज। फॉर एग्जाम्पल, अगर जीए थ्री को आप ग्रेप्स के वाइन्स पे अगर स्प्रे कर देते हैं, यानी कि ग्रेप्स का जो पौधा होता है, अंगूर के जो पौधे होते हैं, अगर आप उस पर स्प्रे करते हैं तो आपको लार्ज और सीडलेस ग्रेप्स मिल सकते हैं, ठीक है, जो फ्रूट का साइज होता है उसको बढ़ाने में यह मदद करता है जिब्रेलिन्स। इसके अलावा देखा गया है कि बहुत से जो रोजेट प्लांट होते हैं, रोजेट प्लांट यानी कि ऐसे पौधे जिनमें सिर्फ पत्ते होते हैं, जैसे पालक, कैबेज, या कोई ऐसा पौधा जिसमें कि स्टेम होना चाहिए था बट वो नहीं हो रहा है इसमें स्टेम, जैसे हम अरेबिडोप्सिस को अगर ले लें, तो वो अगर अपने रोजेट फॉर्म में पड़ा हुआ है लेकिन अगर आप उसको जिब्रेलिक एसिड दे दोगे तो उसमें स्टेम का इलोंगेशन होने लगेगा। और कोई रोजेट में है तो समझ लीजिए कि वो ड्रॉप फॉर्म में है, ठीक है। तो देखा गया कि ड्रॉप वैरायटी में जो है स्टेम का इलोंगेशन जिब्रेलिक एसिड करवा सकता है, और साथ ही साथ जो रोजेट प्लांट होते हैं, चाहे वो रोजेट प्लांट ड्रॉप पी के हो, यानी मटर का पौधा हो, या मेज यानी मक्का का पौधा हो, या और भी जो रोजेट प्लांट होते हैं, उनमें भी अगर आप जिब्रेलिक एसिड देंगे तो उनमें स्टेम निकल आएंगे, ठीक है जी। हमने भी बहुत कम प्लांट पिया था बट पैसे वेस्ट होने के अलावा और कुछ नहीं हुआ, बिकॉज हमारी हाइट तो वैसी की वैसी रह गई। द मेजोरिटी ऑफ प्लांट स्टडी टू डेट कंटेन अ जीए वन और जीए फोर, सो दीज आर द जिब्रेलिन्स टू विच वी असाइंड हार्मोनल फंक्शन। और प्लांट में ज्यादातर जो काम करते हैं, वैसे तो 1, 3, 4, 7 है, ये तीन चारों के चारों बायोलॉजिकली एक्टिव है, लेकिन ज्यादातर फंक्शन के केसेस में 1 और 4 को देखा गया है एक्टिव, ठीक है। इन एडिशन टू 1 और 4 प्लांट कंटेन मेनी इनएक्टिव जिब्रेलिन्स। अब आप सोचोगे कि काम जब एक्टिव वाले को करना है तो ये इनएक्टिव जिब्रेलिन्स इतने सारे क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि वैसे तो जिब्रेलिन्स बहुत सारे हैं, ठीक है। दीपश्री ऑक्सिन सेल का इलोंगेशन करवा रहा था शेडेड एरिया में, जिसकी वजह से फोटोट्रोपिज्म देखने को मिल रहा था, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, और ये इंटरनोडल इलोंगेशन करवा रहा है, इंटरनोड्स को बढ़ा रहा है। तो जैसे कि हमने कहा कि बायोएक्टिव जिब्रेलिन्स तो चलो फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये जो इनएक्टिव जिब्रेलिन्स हमको इतने सारे मिलेंगे प्लांट में, वो क्यों है, उसका रीजन क्या है? तो एक्चुअल में ये जो इनएक्टिव जिब्रेलिन्स हैं, इनका मल्टीपल रोल हो सकता है, जैसे कि या तो ये इनएक्टिव जिब्रेलिन्स प्रीकर्सर होंगे, यानी इनसे एक्टिव जिब्रेलिन्स बनेंगे, या तो ये एक तरीके से डीएक्टिवेटेड प्रोडक्ट होंगे, यानी कि बायोएक्टिव जिब्रेलिन बना, फिर बायोएक्टिव से वापस से इनएक्टिव जब बनेगा
तो वो जब इनएक्टिव फॉर्म लेगा तो वो इनएक्टिव फॉर्म होगा इनएक्टिव जिब्रिलिन्स। तो ये जो इनएक्टिव जिब्रिलिन्स है वो या तो प्रीकर्सर है या तो वो डीएक्टिवेटेड प्रोडक्ट है, इसीलिए हमको ये देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। यहां जरा पिक्चर देखिए, लुक एट दिस। इनके हाथ में यहां पे जो राइट साइड में आपको ग्रेप्स देखने को मिल रहे हैं, इनके एक एक फ्रूट देखिए कितने बड़े हैं। और ये है वो कंट्रोल जिसमें कि जीए अप्लाई नहीं किया गया है। तो दोनों के शेप, दोनों का साइज देखिए जरा कितना डिफरेंट है। तो जिब्रेलिक एसिड अप्लाई करने की वजह से ये जो ग्रेप्स है इसका जो फ्रूट का साइज है वो बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहां पर, ये जो पहला पौधा है यहाँ पे छोटू सा, ये है ड्रॉप वैरायटी, यानी कि एक ऐसा पौधा जो बड़ा नहीं हो पा रहा है, जिसे हम ड्रॉप कहते हैं। फिर जो सेकेंड वाला पौधा है ये ड्रॉप वैरायटी था, लेकिन हमने इसको जीए दे दिया, जिब्रेलिक एसिड दे दिया। यानी कि पहले वाले पौधे को अगर हम जीए देंगे तो देखिए जरा इसने कितनी हाइट ली है, कितनी लंबी हाइट इसने ले ली है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। थर्ड वाले को देखिए, थर्ड वाला एकदम नॉर्मल पौधा है, ये ड्रॉप वैरायटी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको भी जीए दे देंगे तो देखिए ये और लंबा हो जा रहा है। लुक एट दिस, कितना लंबा हुआ है, ऊपर तक गया है, जितना ऊपर ये पिक्चर है। ठीक है, और फोर्थ वाला कंट्रोल है, यानी कि अगर एक नॉर्मल प्लांट होगा तो वो इतनी हाइट का होगा, लेकिन नॉर्मल प्लांट को अगर आप जीए दे दोगे तो ये मिडिल वाले जैसा हो जाएगा। आइडिया लग रहा है पिक्चर देख के? ये अगला देखिए, यहां पर ये जो पहले और दूसरे पौधे हैं ये है कैबेज, पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं हम, लेकिन अगर आप इनको जिब्रेलिन्स दे देंगे ना तो देखिए भाई साहब ये कितने लंबे हो गए, इतने लंबे कि सीढ़ी से चढ़ के जो है इनकी हाइट लेनी पड़ रही है। ठीक है, दीज आर द कैबेज, जो कि देखिए कैसी हाइट ले चुके हैं। तो कैबेज का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो होता है एक तरीके से रोजेट फॉर्म। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको जिब्रेलिन देंगे, जिब्रेलिन्स अगर आप दे देते हैं तो देखिए कितने लंबे हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है जिब्रेलिन्स अगर दे दिया जाता है जीए थ्री, तो देखिए इनकी हाइट कितनी अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेशली जीए वन अप्लाई किया गया था और यहाँ पे भी जीए थ्री अप्लाई किया गया था। बिल्कुल, क्योंकि हम तो हमने तो कहा ही था कि स्टेम का इलॉन्गेशन ज्यादा होगा इसमें। ठीक है, ओके। तो वही फिर कहानी आ जाती है कि कुछ बायोएक्टिव जिब्रेलिन्स हैं जैसे कि जीए 1347, और ये जो है बायोलॉजिकली एक्टिव माने जाते हैं और मैक्सिमम फंक्शन जो है इन्हीं के द्वारा देखा जाता है। द प्रेजेंस ऑफ जीए 1 इन वेरियस प्लांट स्पीसीज सजेस्ट दैट इट इज अ कॉमन बायोएक्टिव जिब्रेलिन्स। तो इन चारों में भी जो सबसे कॉमन है वो है जीए 1, क्योंकि ये ज्यादातर प्लांट स्पीसीज में देखा जाता है, एंड दे आर हैविंग द इंट्रेंसिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी। एक साइंस डायरेक्ट के रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि अरेबिडोप्सिस में जो है जीए 4 सबसे ज्यादा मोर बायोएक्टिव कंसिडर किया जाता है इवन कंपेयर टू जीए 1। ठीक है, ये अरेबिडोप्सिस प्लांट के लिए कंसिडर किया गया है। और जितने भी बायोएक्टिव जिब्रेलिन्स होंगे आप समझ लीजिए कि वो 19 कार्बन फॉर्म में है अपने, क्योंकि 20 कार्बन होते हैं, 20 से 19 में कन्वर्जन होता है तो वो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ले लेते हैं। इतना ही नहीं, ये भी देखा गया है कि जिब्रेलिन्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उनके स्ट्रक्चर्स भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रोवाइड करने में। जैसे कि अ कार्बोक्सिल ग्रुप एट C7, यानी इनका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें कार्बन नंबर 7 पर कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाएगा, किसमें? सारे बायोलॉजिकली एक्टिव जिब्रेलिन्स में। तो जितने भी बायोलॉजिकली एक्टिव जिब्रेलिन्स होंगे उनके कार्बन नंबर 7 पे आपको COOH ग्रुप देखने को मिलेगा। और अगर हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं तो इनका भी काम होता है, दैट इज सेल का इलॉन्गेशन करवाना, जिसकी वजह से ये इंटरनोडल इलॉन्गेशन करवा पाते हैं ड्रॉप सीडलिंग में।
ओके, नाउ कमिंग टू द बायोसिंथेसिस। तो जिब्रेलिक एसिड जो है प्लांट के बहुत से अलग अलग पार्ट में सिंथेसाइज होता है, जैसे कि डेवलपिंग सीड्स, जर्मिनेटिंग सीड्स, डेवलपिंग लीव्स, इंटर इलोंगेटिंग इंटरनोड्स, इन सभी एरिया में जो है जिब्रेलिक एसिड बन सकता है। इसको सिंथेसाइज किया जाता है, एक डाइटारपिन इंट कोरीन है, उसको ऑक्सीडेशन करके जो है जिब्रेलिक एसिड का सिंथेसिस होता है। इसका प्रीकर्सर मॉलिक्यूल को हम आइसोप्रिनॉइड यूनिट यानी आईपीपी कहते हैं। बायोसिंथेसिस में टोटल तीन स्टेजेस हैं और वो तीन स्टेजेस तीन अलग अलग कंपार्टमेंट में देखने को मिल सकते हैं, दैट इज प्लास्टिड, ईआर एंड साइटोसोल। ये वो तीन ऑर्गेनेल्स हैं जिसका जिसके अंदर जो है जिब्रेलिक एसिड का बायोसिंथेसिस देखा जाएगा। बायोसिंथेसिस के टाइम पे जीए 12 जो होता है वो पहला ऐसा जिब्रेलिन होता है जो कि फॉर्म होता है प्लांट में, जिसको स्टडी किया गया था, और वो आगे चल के और ऑक्सीडाइज होता है ताकि वो और अलग अलग टाइप का जिब्रेलिन्स बना सके। ठीक है, जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है कि ये है GA20। जब इस GA20 को आप एक एंजाइम है जिसका नाम है GA3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, इसकी प्रेजेंस में जब आप इसको रिएक्ट करवाते हो और इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करते हो, तो उस टाइम पे ये जो इनएक्टिव जिब्रेलिन है जो कि प्रीकर्सर की तरह काम कर रहा है, वो एक्चुअल में देखिए एक्टिव जिब्रेलिन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये बायोसिंथेसिस पाथवे कैसे चलता है, बुक का डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। हम बुक का डायग्राम बाद में देखेंगे, पहले हम हमारा बनाया हुआ डायग्राम देखेंगे ताकि हमें सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो जैसे कि मैंने मेंशन किया यहाँ पे तीन ऑर्गेनेल्स हैं, दैट इज योर प्लास्टिड, साइटोसोल एंड ईआर। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है, आईपीपी से शुरू होती है। यह है प्रीकर्सर मॉलिक्यूल, यानी जहां से पाथवे शुरू होगा, बायोसिंथेसिस का पाथवे शुरू होगा। ओके, श्वेता जी एक्टिव के कितने नाम बताए मैंने, बताइए जरा सा, कितने बताए मैंने नाम एक्टिव के, 1347, यही चार एक्टिव है, इसके अलावा जितने पाए जाएंगे सब इनएक्टिव है। तो फिर कॉमन सेंस भी तो यूज कीजिए जरा सा। ओके, तो ये रहा आईपीपी, दैट इज अ टाइप ऑफ टारपिनॉइड, राइट। आईपीपी जो होता है ये आईपीपी पाइरुवेट या ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के द्वारा जो है फॉर्म किया जा सकता है। मतलब ये इंटरमीडिएट बताया कि किस पाथवे से आईपीपी हमको मिल रहा है, और हम बात कर रहे हैं प्लास्टिड की। ये जो आईपीपी है ये क्या करता है, ये प्लास्टिड के अंदर GGPP बनाता है, यानी जिरेनाइल पाइरोफॉस्फेट बनाता है। ये जो जिरेनाइल पाइरोफॉस्फेट है, ये जो है कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे कि हो गया CPS, यहाँ पे मैंने सभी एंजाइम के फुल फॉर्म लिखे हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। CPS का नाम होता है इंट कोपाइल डाइफॉस्फेट सिंथेज, और दूसरा एंजाइम है KS, दैट इज द इंट कोरीन सिंथेज। ये दो एंजाइम GGPP को जो है कन्वर्ट कर देते हैं इंट कोरीन में। अब ये जो इंट कोरीन है ये KO, दैट इज योर इंट कोरीन ऑक्सीडेज एंजाइम, एंड KAO, दैट इज इंट कोरिनिक एसिड ऑक्सीडेज। इन एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो इंट कोरीन है ये GA12 aldehyde में कन्वर्ट हो जाता है ER में। अब ये जो GA12 aldehyde बना है ये कन्वर्ट हो जाता है GA12 में, और ये फर्स्ट GA होता है जो कि बन के रेडी होता है इस पाथवे में, दैट इज दी GA12। सभी को दिख रहा होगा पिक्चर में। अब यहां से क्या शुरू होता है, यहां से अब दो पाथवे चल सकते हैं। पहला
इस GA12 का एक तरीके से कोई भी हाइड्रोक्सीलेशन नहीं होगा। पहला पाथवे में बात कर रही हूं, ये वाला पाथवे, फर्स्ट पाथवे। ये GA12 GA13 ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो है ये क्या कर सकता है, सॉरी नॉट GA13 ऑक्सीडेज, ये जो GA12 यहां पे जिब्रेलिक एसिड बना है वो GA20 ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है GA9 में। और ये पाथवे चल रहा है कहां पे, दैट इज साइटोसोल में। ये जो पूरा व्हाइट स्क्रीन है दैट इज द साइटोसोल, येलो वाला प्लास्टिड है और सिलिंड्रिकल वाला ER है। अब GA9 जो है GA3 ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में GA4 में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ 3-beta हाइड्रोक्सीलेशन। और GA4 आपको पता है इट इज द बायो एक्टिव जिब्रेलिन। अब ये GA4 जो काम करना है वो करेगा प्लांट में, एंड उसके बाद जब ये काम कर लेगा तो इसको वापस से इनएक्टिव किया जाएगा, यानी इनएक्टिव जिब्रेलिन्स में कन्वर्ट किया जाएगा। और वो इनएक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए GA2 ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद ली जाएगी। तो GA2 ऑक्सीडेज जो है इसको GA34 में कन्वर्ट कर देगा जो कि इनएक्टिव जिब्रेलिन्स होते हैं। और ऐसा कन्वर्जन करते टाइम वो कार्बन 2 पे जो है हाइड्रोक्सीलेशन करवाएगा, यानी OH ग्रुप को ऐड करवाएगा। ये पहला पाथवे था जिसमें शुरुआत में GA12 पे हाइड्रोक्सीलेशन नहीं हुआ, इसीलिए इसको नॉन हाइड्रोक्सीलेशन पाथवे कहा जाता है। अब जो सेकेंड पाथवे है कि GA12 के पास दो ऑप्शन था, आइदर टू गो इन नॉन 13 हाइड्रोक्सीलेशन पाथवे और टू गो इन हाइड्रोक्सीलेशन पाथवे। तो अगर GA12 13 हाइड्रोक्सीलेशन पाथवे के थ्रू अगर मूव करता है तो उस टाइम पे उसके कार्बन नंबर 13 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सीलेशन ऑफ कार्बन 13। जब GA12 में जब कार्बन नंबर 13 पे हाइड्रोक्सीलेशन होता है तो वो GA53 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये GA53 साइटोसोल में आकर दैट इज GA20 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ GA20 ऑक्सीडेज एंजाइम। अब GA20 का देखिए 3-beta हाइड्रोक्सीलेशन होता है तो ये बायोएक्टिव जिब्रेलिन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि होता है GA1। GA1 फिर काम करता है और काम करने के बाद जो है दैट इज हाइड्रोक्सीलेशन इसका हो जाता है कार्बन 2 पे और ये वापस से जो है GA8 में कन्वर्ट हो जाता है जो कि है इनएक्टिव जिब्रेलिन। तो देखा गया है अरेबिडोप्सिस में और कुछ अदर प्लांट में जो नॉन 13 हाइड्रोक्सीलेशन पाथवे होता है वो मेन पाथवे होता है। तो ये था आपका बायोसिंथेसिस पाथवे, ठीक है। तो जो ट्विस्ट है वो यहां पर है, जो दो टाइप के पाथवे चल रहे हैं कि GA12 या तो वो नॉन हाइड्रोक्सीलेशन पाथवे ले सकता है या तो वो हाइड्रोक्सीलेशन पाथवे ले सकता है। अब इसी पिक्चर को यहाँ पे बुक के फॉर्म में बताया गया है, तो बुक के अभी हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख लिया तो बुक वाला फॉर्म हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये दैट इज IPP लिखा गया है जो कि एक जो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का सिंथेसिस पाथवे होता है MVA वन ऑफ द पाथवे, उसके द्वारा IPP मिलता है, ठीक है। अब ये IPP जो है डायरेक्टली वहां से भी आ सकता है या पाइरूवेट या ग्लिसरेडीआई 3-फॉस्फेट पाथवे से भी आ सकता है। जहां से भी आया हो ये IPP क्या करता है, GPP में कन्वर्ट हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये GPP जो है CPS या KS एंजाइम की प्रेजेंस में इंटकोरिन बनाता है। इंटकोरिन KO या KAO की प्रेजेंस में जो है इंटकोरिन का कन्वर्जन किसमें हो जाता है, GA12 एल्डिहाइड में। और ये जो ऑर्गेनली है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अभी जो GA12 एल्डिहाइड बना है ये जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, GA12 में। अब GA12 जब में कन्वर्ट हो जाता है तो अब इसके पास दो ऑप्शन है, दैट इज नॉन 13 हाइड्रोक्सीलेशन पाथवे या फिर 13 हाइड्रोक्सीलेशन पाथवे। तो अगर ये नॉन 13 हाइड्रोक्सीलेशन पाथवे लेता है तो GA12 देखिए, That is GA12 जो है चला आता है साइटोसोल में
और वहां पे ये GA20 ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में जो है GA9 में कन्वर्ट होता है, फिर GA3 ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ये GA3 में GA4 में कन्वर्ट होता है जो कि बायोएक्टिव जिबरेलिंस है, एंड अगेन काम करने के बाद ये GA2 ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में GA34 में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम 13 हाइड्रोक्सीलेशन पाथवे की बात करते हैं तो GA12 जो है GA13 ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में जो है GA53 में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि उसके 13 नंबर कार्बन पे एक तरीके से हाइड्रोक्सीलेशन हो जाता है। अब ये GA3 साइटोसॉल में आता है और 13 हाइड्रोक्सीलेशन पाथवे के थ्रू मूव करता है और आगे चल के जो है ये GA20 में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ GA20 ऑक्सीडेज, एंड देन GA20 जो है GA1 में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ GA3 ऑक्सीडेज, एंड GA1 जो कि बायो एक्टिव जिबरेलिंस है ये काम करने के बाद GA8 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था आपका बायोसिंथेसिस पाथवे, दोनों में एक से ही तो पाथवे है पूजा। अब ये स्ट्रक्चर के साथ है ये डायग्राम और ये सिंप्लीफाइड है बस, ये बुक का डायग्राम है, ये सिंप्लीफाइड थोड़ा बना के रखा है, दोनों तो एक ही होंगे ना, अलग थोड़ी चेंज हो जाएगा, कुछ अलग से थोड़ी ऐड हो जाएगा। जब हम बायोसिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इनहिबिटर्स भी चले आते हैं, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पे मैंने स्टेजेस में डिवाइड किया था, स्टेज वन जो कि प्लास्टिड में चल रहा है, स्टेज टू जो है जो कि एक तरीके से ER में चल रहा है, एंड स्टेज थ्री जो कि साइटोसॉल में चल रहा है। तो वही यहाँ पे भी कहानी बोली गई है कि GA के इनहिबिटर, GA बायोसिंथेसिस के इनहिबिटर जो है इतने सारे हो सकते हैं, लाइक फॉस्फोन डी, AMO1618, साइक्लोसिल दैट इज CCC, एंड पेक्लोब्यूटेराजोल। तो अगर हम प्लास्टिड की बात करें दैट इज फर्स्ट स्टेज इनहिबिटर, तो इसमें चले आते हैं AMO1618, साइक्लोसिल एंड फॉस्फोनडी। तो ये जो फर्स्ट स्टेज में जो जिबरेलिन बायोसिंथेसिस हो रहा है ये उस स्टेज को रोक देते हैं। सेकेंड स्टेज इनहिबिटर जो कि ER में आपको देखने को मिलेगा, वहां पे पेक्लोब्यूटेराजोल जो है वो काम करता है और ये GA12 एल्डिहाइड से पहले वाले स्टेप में जो है तरीके से इनहिबिशन डाल देता है, इसलिए हम इसे स्टेज टू इनहिबिटर कहते हैं। एंजाइम के नाम याद हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कैसे ऊटपटांग से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो भी सकता है दो दो मार्क्स में पूछ दिया जाए। नेक्स्ट, थर्ड स्टेज इनहिबिटर जो है आपको साइटोसॉल में देखने को मिलेगा, जिसमें कि जो आपको इनहिबिटर मिलेगा वो होगा BX112, जिसे हम प्रोहेक्साडायोन कहते हैं, और ये मेनली जो है GA3 ऑक्सीडेज को इनहिबिट करने का काम करता है, जिसका मेन काम होता है GA3 ऑक्सीडेज का कि इनएक्टिव जिबरेलिन को एक्टिव जिबरेलिन में कन्वर्ट करना। तब आप सोचेंगे कि बायोसिंथेसिस से किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं या इनहिबिटर से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें से आपके मैच द फॉलोइंग बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन टाइप बन सकते हैं कि कौन से स्टेज में कौन रोकता है, ठीक है, और पार्ट बी में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा सिंगल ऑप्शन टाइप बन सकता है, इसको ब्रिटेन में प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादातर याद हो जाएंगे। हाँ जी, सीक्वेंस में आपको याद तो करना पड़ेगा, तो सीक्वेंस पूछ दिया, सीक्वेंस भी आप पूछ सकता है पाथवे का कि किसके बाद क्या बनता है, राइट। ऑर्गेनली वाइज जो है, एक में मान लीजिए ऑर्गेनल्स दे दिया, उसको सीक्वेंस से मैच करो या फिर प्रोडक्ट से मैच करो। तो ये जो मैं बता रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, ये क्वेश्चन बायोसिंथेसिस और इनहिबिटर दोनों से मिलाकर जनरेट हो सकते हैं। यस, कौन से ऑर्गेनली में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, सिंपल।
देखिए ये तभी तक टफ लग रहा है जब तक आप एक बार बना के नहीं देखते। आप एक बार पेपर में बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि उतना टफ नहीं है। एंजाइम के नाम टफ है, वो आई थिंक रिपीटेड इनकाउंटर में आप मतलब इतने हद तक तो याद कर ही लोगे कि अगर आप नाम भूल भी गए लेकिन आपके सामने चार ऑप्शन आया तो आप पहचान जाओगे। कितनी बार ऐसा होता है ना कि जो बहुत टिपिकल से नेम होते हैं हम अपने आप उसको याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हमारे सामने वो सवाल चार ऑप्शन के फॉर्म में होता है तो हमें फटाफट से याद आ जाता है। तो ऐसे टॉपिक में यही कोशिश रहनी चाहिए कि भले आप नाम अकेले याद नहीं कर पा रहे हो लेकिन जब आपके सामने ऑप्शन आए तो आप उसको पढ़ के तुरंत ही पहचान जाओ कि हाँ ये वाला वो नाम था। एटलीस्ट इस हद तक तो तैयारी कर लीजिएगा। मैं आपसे पूछूं आप भूल जाओ वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं चार ऑप्शन दूं तब आप पिक कर पाओ। ठीक है, नहीं पूरा फाइटोहार्मोन सिंथेसिस पूरा का पूरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट से लिंक नहीं है, कुछ एक आध है जैसे कि एबीए होगा, एबीए और जिबरेलिक एसिड, ये सब थोड़े से लिंक है क्योंकि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के भी टाइप होते हैं। यस, तो ऐसे तैयारी कर लीजिए कि बस ऑप्शन देख के याद हो जाए। ठीक है, आई मीन मैं अपना अगर स्ट्रैटेजी कहूँ तो मैं भी ऐसे ही करती थी, जो बहुत टफ रहते थे ना जो पोर्शन, जो जैसे आप मुझसे पूछोगे बताओ उसका नाम तो मैं नाम नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जब आप मुझे चार ऑप्शन दोगे तो मैं पहचान जरूर लूंगी। तो उस लेवल तक एटलीस्ट आप तैयार कर लीजिए कि आप सिंगल नाम नहीं भी बोल पाए लेकिन चार ऑप्शन है तो उसमें से पहचान पाए। आई मीन मल्टीपल चॉइस का कुछ तो हमें फायदा उठाना चाहिए। ओके चलिए आप रेगुलेशन की बात करते हैं। रेगुलेशन यानी कि अगर ज्यादा हो गया जिब्रेलिक एसिड तो उसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे छुपाया जा सकता है, या उसको कैसे होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, सो जिब्रिन इनएक्टिवेशन वी द फैमिली ऑफ एंजाइम टर्म्ड एज GA2 ऑक्सीडेज, मिथाइलेशन वी मिथाइल ट्रांसफरेज एंड कॉन्जुगेशन टू द शुगर। तो अगर हम जिब्रिलिक एसिड को इनएक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस इनएक्टिवेशन के लिए तीन तरीके हैं हमारे पास। पहला, या तो एक्टिव जिब्रिन को GA2 ऑक्सीडेज से ट्रीट कर दो। कुछ नाम मैं आपको अभी याद करवा दूंगी, टेंशन नॉट, इतने सारे एक्सपेरिमेंट है ना अभी याद हो जाएंगे। जैसे GA2 ऑक्सीडेज, इसको अभी से याद कर लीजिए। GA2 ऑक्सीडेज जो है वो क्या करवाता है, एक्टिव जिब्रिलिन्स को इनएक्टिव में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एंजाइम है मिथाइल ट्रांसफरेज, जो कि मिथाइलेशन करवा के जो है जिब्रिलिन्स को इनएक्टिव करता है। एंड तीसरा है कॉन्जुगेशन विथ शुगर, शुगर के साथ आप कंबाइन कर दीजिए जिब्रिलिक एसिड को, वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये तीन तरीके से आप जिब्रिलिक एसिड को रेगुलेट कर सकते हैं, यानी जब जरूरत ना हो तो उसे इनएक्टिव कर सकते हैं। NOX1 जीन एक्सप्रेशन इन द शूट अपिकल मेरिस्टेम विच इज अ क्रूशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मेरिस्टेम reduces the gibberellin level by inhibiting gibberellin biosynthesis and promoting gibberellin inactivation. इसके अलावा इसमें नॉक्स जीन जो होता है, NOX1 जीन जो कि प्रेजेंट होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम में, सैम में, और सैम को फंक्शन करने में मदद करता है। ये जीन भी जो है एक्चुअल में क्या करता है, ये जिब्रिलिक एसिड के बायोसिंथेसिस को रोकता है, GA बायोसिंथेसिस को रोकता है और हेंस जिब्रिलिन्स को इनएक्टिव करवाता है। हां जी कुसुम, एक्सोस के साथ ऑक्सिन भी इनएक्टिव हो रहा था। जिब्रिलिन बायोसिंथेसिस आल्सो रेगुलेटेड बाय फीडबैक इनहिबिशन व्हेन सेलुलर जिब्रिलिन एक्सीड द थ्रेशोल्ड लेवल। The application of exogenous gibberellin caused down regulation of GA20 oxidase and GA3 oxidase gene, whose product catalyzes the two final step in the formation of a bioactive gibberellin for GA1 and GA4. इसके अलावा क्या देखा जाता है कि अगर प्लांट में
जरूरत से ज्यादा थ्रेशोल्ड बढ़ चुका है जिब्रेलिक एसिड का। तो आप अगर बाहर से जिब्रेलिक एसिड अप्लाई करते हो तो उस केस में आप दो एंजाइम को डाउन रेगुलेट कर सकते हो। वो दो एंजाइम कौन से हैं? GA20 ऑक्सीडेज एंड GA3 ऑक्सीडेज। ये जो दोनों एंजाइम या ये जो दोनों जीन है, इनका मेन काम होता है एक्टिव जिब्रिलिंस बनाना। तो अब मुझे अगर इनएक्टिव करना है जिब्रिलिंस को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ यू इनहिबिट द एक्शन, ठीक है, अगर आप इनके एक्शन को इनहिबिट कर दो या डाउन रेगुलेट कर दो, तो उस केस में ये एक्टिव जिब्रिलिंस नहीं बना पाएंगे, राइट? तो आप देख सकते हैं इतने सारे मेथड से जो है हम ऑक्सिन को जिब्रिलिंस को रेगुलेट कर सकते हैं, उसके हाई कंसंट्रेशन को जो है लो कर सकते हैं। तो यहां पे ये जो तीन एंजाइम देखा हमने, GA20 ऑक्सीडेज, GA3 ऑक्सीडेज एंड GA2 ऑक्सीडेज, जिनमें से टू इनएक्टिव करवाता है और बाकी जो दो हैं, दैट इज GA20 एंड GA3 ऑक्सीडेज, वो एक्टिव जिब्रिलिंस बनाते हैं और GA2 ऑक्सीडेज जो है वो एक्टिव को इनएक्टिव जिब्रिलिंस में कन्वर्ट करता है। थोड़ा बहुत याद हुआ होगा, राइट? 20 और 3 एक्टिव करवाता है, 2 जो है वो इनएक्टिव करवाता है। अब ये जो केस स्टडी बता रही हूं इससे और अच्छे से याद हो जाएगा। तो जैसे कि अभी हमने समझा कि जो GA1 है वो बायोलॉजिकली एक्टिव जिब्रिलिंस कंसिडर किया जाता है। एक काम करते हैं, तो केस स्टडी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे उसके बेसिस पे। तो GA1 हमको पता है कि एक एक्टिव जिब्रिलिन है जो कि स्टेम के इलोंगेशन को कंट्रोल करता है, और जो प्रिकर्सर होता है GA1 का, ठीक है, प्लांट्स में, वो क्या होता है? GA20 होता है। यानी कि कहानी क्या है कि GA20, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी ये डायग्राम दिखाया था, GA20 को आप GA1 में कन्वर्ट कर सकते हो। और हमने कहा था जो बायोलॉजिकली एक्टिव जिब्रिलिंस होते हैं उनके पास 19 कार्बन्स होते हैं। और GA20 से GA1 कैसे बना होगा? हमने दो ही बायोएक्टिव जिब्रिलिंस फॉर्म करवाने वाले हमने एंजाइम देखे थे। कौन से थे? वो था GA20 ऑक्सीडेज और दूसरा था GA3 ऑक्सीडेज। ये दो हमने एंजाइम देखे थे जो कि एक्टिव जिब्रिलिंस फॉर्म करवाते हैं। तो GA20 से GA1 करवाने के लिए यहां पे काम करता है GA3 ऑक्सीडेज। अच्छा, ये GA3 ऑक्सीडेज है तो हम कहते हैं ये GA3 ऑक्सीडेज एक्चुअल में काम करता है, दैट इज GA3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की तरह, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करता है। ये देखिए, याद कीजिए, ये जो मैंने आप ये देखिए, ये वाला, इसी की बात की जा रही है, GA3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। इसकी जगह पर आप GA3 ऑक्सीडेज भी लिख सकते थे, लेकिन ये जो GA3 ऑक्सीडेज होता है ये GA3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की तरह काम करता है, बिकॉज देखिए ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर रहा है। ओके, तो वही कहानी यहां बोली गई है कि GA3 ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ये जो इनएक्टिव GA2 है, GA20 है, वो GA1 में कन्वर्ट हो जाता है जो कि है एक्टिव जिब्रिलिंस। ओके,
और आपको क्या लग रहा है नाम से कौन से कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो रहा होगा, क्या लगता है बताइए, देखो जरा कौन बच्चा ध्यान से सुन रहा है। नाम है इसका GA3 beta hydroxylase। तो ये एक्चुअल में कौन से कार्बन नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर रहा होगा, दैट इज C3 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप ऐड कर रहा होगा, ठीक है। और ऐसा करके इनएक्टिव जिब्रेलिन एक्टिव जिब्रेलिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बताइए अगर एक कोई पौधा है, ठीक है, इफ देयर इज अ प्लांट और उसमें नो GA3 oxidase, उसमें जो है GA3 oxidase नहीं है, तो क्या उसमें बायोएक्टिव जिब्रेलिन बन पाएगा? नो बायो एक्टिव GA, उसमें बायोएक्टिव GA नहीं बनेगा, और बायोएक्टिव GA नहीं बनेगा तो प्लांट कैसा रह जाएगा, दैट इज ड्रॉप रह जाएगा यानी कि छोटा रह जाएगा, ठीक है। तो एक ड्रॉप वैरायटी जो है क्रिएट की गई, एक ड्रॉप वैरायटी क्रिएट की गई प्लांट में, और उसको नाम दिया गया स्मॉल एल ई, और जो वाइल्ड टाइप था और वो टॉल था प्लांट उसको नाम दिया गया कैपिटल एल ई। ये वैरायटी किस में क्रिएट की गई, ये वैरायटी क्रिएट की गई दैट इज पी प्लांट में, मटर का जो पौधा होता है उसमें। अब जब इसको स्टडी किया गया तो वाइल्ड टाइप तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और ये जो एक्सपेरिमेंट ये वैरायटी क्रिएट की गई थी, ये क्रिएट की गई थी मेंडल के द्वारा, ठीक है, आपको पता ही है उनको मटर के पौधों से बड़ा प्यार था, तो मेंडल के द्वारा ये वैरायटी क्रिएट की गई थी। तो ये जो ड्रॉप वैरायटी क्रिएट की गई ना, ये किस वजह से हुआ, बिकॉज देर वॉज अ म्यूटेशन इन GA3 oxidase एंजाइम। ये जो ड्रॉप वैरायटी बनाई गई थी उसमें GA3 oxidase में म्यूटेशन था, एंड दैट इज वाई एक्टिव जिब्रेलिन्स नहीं बन पाए और ये वैरायटी छोटी रह गई, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूजन आता है कि अगर हमको एक्टिव जिब्रेलिक एसिड्स बनाने हैं तो वी कैन हैव अ टू एंजाइम GA3 oxidase और GA20 oxidase, ये दो एंजाइम एक्टिव जिब्रेलिन्स बनाने का काम करती हैं। लेकिन अगर हमको इन एक्टिव जिब्रेलिन्स बनाना है तो हम फिर GA20 oxidase की मदद लेंगे। इसीलिए कोई भी पौधा जिसमें GA3 oxidase एंड GA20 oxidase का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो वो पौधा छोटा रह जाए, और अगर इन दोनों का आप ओवर एक्सप्रेशन करवा देते हैं तो प्लांट अनवांटेडली लंबा होता रहेगा, क्योंकि हमेशा उसमें बायोएक्टिव जिब्रेलिन्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। बताइए केस वन सभी को क्लियर है, हर एक पॉइंट? Yes, for inactive GA2 oxidase, for activation GA3 oxidase and GA20 oxidase। अभी से याद हो गया होगा उम्मीद करती हूँ, तो ध्यान देंगे तो बायोसिंथेसिस पाथवे में भी यही तो तीनों एंजाइम यूज हो रहे हैं बार 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 बार, स्टार्टिंग में कुछ कॉम्प्लेक्स एंजाइम है लेकिन बाद में जो 13 हाइड्रोक्सीलेशन एंड नॉन हाइड्रोक्सीलेशन पाथवे है उसमें तो यही सारे के सारे यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंड केस स्टडी, सेकेंड केस स्टडी में क्या देखा गया है, जो IAA है यानी ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन एक्चुअल में GA का दोस्त होता है, ठीक है, ऑक्सिन
एक तरीके से जीए का दोस्त होता है। कैसे? ऑक्सिन एक्चुअल में प्रमोट करता है जीए वन के बायोसिंथेसिस को इन द इंटरनोड। तो ऑक्सिन की मदद से क्या होता है, ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस प्रमोट किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये है IAA, ये मदद कर रहा है GA20 को जो कि इनएक्टिव जिब्रेलिन्स है उसको GA1 में कन्वर्ट करने में जो कि एक्टिव जिब्रेलिन्स। और ये करने के लिए वो किसकी मदद ले रहा है, ये करने के लिए वो मदद ले रहा है GA3 ऑक्सीडेज की। ओके, तो अभी आपको ये समझ में आया कि यानी ये एक्चुअल में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है ताकि जीए और बने। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सिन क्या करेगा, ऑक्सिन ये भी ध्यान रखेगा कि वो उस पाथवे को रोक सके जो कि जीए का ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये कौन से एंजाइम को रोकेगा कोई मुझे बताएगा? ब्रेक डाउन यानी कि एक तरीके से इनहिबिशन, राइट? तो ऑक्सिन ऐसे एंजाइम को रोकेगा जो कि जीए को इन एक्टिव से इनएक्टिव स्टेट में लेकर जाते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो वो किसको रोक रहा है, दैट इज एक्शन ऑफ GA2 ऑक्सीडेज, राइट? बिल्कुल सही। और अगर वो बायोसिंथेसिस करवा रहा है तो एक्चुअल में वो किसके द्वारा करवा रहा है, दैट इज GA3 ऑक्सीडेज के। यानी कि ऑक्सिन और जिब्रेलिक एसिड का बहुत पुराना याराना है, दे आर गुड फ्रेंड्स। ओके, यहां पे भी वही बोला गया है जो अभी अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था, उसको सम अप करके बोला गया है कि GA2, GA3 एंड GA20 क्या करवाते हैं। यस, नाउ कमिंग टू दी सिग्नलिंग पाथवे। तो इसका सिग्नलिंग पाथवे भी सेम यूबिक्यूटिन मीडिएटेड 26S प्रोटियोसोमल पाथवे के द्वारा होता है। इनफैक्ट ये पाथवे आपको ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड जैस्मोनिक एसिड तीनों में ही देखने को मिल जाएगा। तो अब ये बेसिक्स तो मैंने ऑलरेडी ऑक्सिन में समझा दिया कि ये कैसे यूबिक्यूटिनेशन होता है, तो बार बार तो ये समझाने की जरूरत नहीं है। तो वी कैन स्विच डायरेक्टली टू द मेन पाथवे। अब यहाँ पे पाथवे एज वेल एज प्लेयर के बारे में समझते हैं। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये सिग्नल भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो कहानी क्या चलती है कि जिब्रेलिक एसिड का सिग्नलिंग पाथवे चलने वाला है, तो वी शुड बी नोइंग अबाउट दी प्लेयर्स। प्लेयर्स लाइक रिसेप्टर कौन है, लिगेंड कौन है, ट्रांसक्रिप्शन कौन करवाएगा, इनहिबिटर कौन है, राइट? और वो जो गुंडे वाली फैमिली है, भाई वाली फैमिली, दैट इज SCF फैमिली, राइट? भाई टाइप है, जिसके भी सिर पे हाथ रखती है वो बर्बाद हो जाता है। तो वो जो SCF फैमिली है उसका क्या कहानी है, वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है वो भी सॉल्युबल होता है, जैसे हमने ऑक्सिन में भी देखा था कि सॉल्युबल रिसेप्टर था। रिसेप्टर का नाम है GID1, दैट इज जिब्रेलिन इनसेंसिटिव ड्रॉप 1। लिगेंड का नाम है जिब्रेलिन, नो डाउट। इनहिबिटर यहाँ पे काफी ज्यादा गॉर्जियस है, दैट इज नाम है इसका डेला। यहाँ पे जो डेला है DELLA, हर एक जो यहाँ पे अल्फाबेट है वो सिंगल लेटर अमाइनो एसिड कोड को प्रेजेंट करता है, दैट इज D4 जो है। डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्पार्टेट हो जाएगा। ई यहाँ पर ग्लूटामेट हो जाएगा। एल यहाँ पर ल्यूसीन हो जाएगा। ए यहाँ पर एलानीन हो जाएगा, ठीक है? तो इनहिबिटर है यहाँ पे, दैट इज डेला, बिल्कुल TIR1 ऑक्सिन में था। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे है, दैट इज MYB प्रोटीन, इसको हम GAMYB भी कहते हैं, दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और जो सिग्नलिंग पाथ पे चलेगा वो वही होगा, दैट इज यूबिक्यूटिन 26S प्रोटियोलिसिस सिस्टम। जिब्रेल्स क्योंकि 26S प्रोटियोसोमल सिस्टम से काम करते हैं तो इनके पास भी SCF कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर हम बात करते हैं SCF कॉम्प्लेक्स की तो यहाँ पे ट्विस्ट है। हाउएवर द जिब्रेलिन रिसेप्टर दैट इज GID1 डज नॉट इटसेल्फ फंक्शन एज अ F बॉक्स प्रोटीन। तो TIR1 जो है वो गुंडों की फैमिली से बिलोंग कर रहा था, दैट इज F बॉक्स फैमिली से बिलोंग कर रहा था, बट यहाँ पे GID1
वो एफ बॉक्स प्रोटीन की फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, इट डज नॉट फंक्शन एज अ एफ बॉक्स प्रोटीन। तो GID1 करता क्या है एक्चुअल में, जब GID1 जिबरेलिन से बाइंड करता है तो उसके रिसेप्टर में जो है कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आते हैं, यानी कि GID1 और जिबरेलिन जब बाइंड करते हैं तो GID1 में जो है कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आता है, और उसकी वजह से वो जो है डेला प्रोटीन, दैट इज जो रिप्रेसर प्रोटीन है, उससे जो है जाकर ये बाइंड कर पाता है कौन, GID1। जैसे ही डेला प्रोटीन बाइंड करता है, डेला प्रोटीन में भी कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस चले आते हैं, और वो कन्फर्मेशनल चेंज ऐसे होते हैं कि वो जो है E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज से इंटरैक्ट करने लगता है, जिसको कि हम कहते हैं SCF। और यहाँ पे जो एफ बॉक्स फैमिली से प्रोटीन अलग से काम करती है उसका नाम है Sleepy-1। यहाँ पे Sleepy-1 एफ बॉक्स प्रोटीन होती है, जिसको कि हम शॉर्टकट में SLY कहते हैं। तो यहाँ पे E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज SCF इंक्लूडिंग दी Sleepy-1 एज एफ बॉक्स प्रोटीन वो काम करता है, और वो जो है डेला पे छोटे छोटे से यूबिक्यूटिन प्रोटीन्स को ऐड कर देता है। अब ये जो SCF SLY है, ये एक यूबिक्यूटिन E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज है अरेबिडोप्सिस में, जिसमें एफ बॉक्स प्रोटीन जो होता है वो होता है SLY। और ऑक्सिन में एफ बॉक्स प्रोटीन कौन था, खुद रिसेप्टर था, यानी वो खुद रिसेप्टर जो है वो खुद ही एफ बॉक्स फैमिली से बिलोंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एफ बॉक्स फैमिली से बिलोंग करने वाला प्रोटीन अलग से रहता है, दैट इज Sleepy-1। ओके, और इस तरीके से जो है जब Sleepy-1 काम करता है तो डेला का हो जाता है डिग्रेडेशन, डेला डिग्रेड हो गया तो उसके बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम कर पाता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो जीन प्रोडक्ट होते हैं वो उसे प्रोड्यूस कर पाता है। अब ये कहानी चलती कैसे है, चलिए हम इसको भी समझते हैं डायग्राम के थ्रू। अच्छा, मैंने कल एक चीज बताना मैं भूल गई थी, जैसे यहाँ पे देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एफ बॉक्स प्रोटीन जो होती है उनको लिखने का तरीका क्या होता है, हमने लिखा SCF, और जो एफ बॉक्स प्रोटीन होती है उसको हम दैट इज ऊपर एरिया में एफ के पास जो है लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि Sleepy-1 था तो हमने SLY-1 ऐसे लिखा, ठीक है। ऑक्सिन के लिए हम कैसे लिखेंगे, सॉरी SCF-TIR-1, ठीक है, हाँ जी पावर में आप बोल सकते हैं। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, तो अभी जो हमने कहा था वो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि ये देखिए ये रहा GID-1 जो कि है रिसेप्टर, इससे देखिए ये लिगेंड और ये रिसेप्टर आके बाइंड किए, फिर देखिए इनके बाइंडिंग के बाद ये जो डेला जो कि रिप्रेसर है, ये डेला देखिए बाइंड कर रहा है किस तरीके से, दैट इज GA-GID-1 कॉम्प्लेक्स के साथ। तो यहाँ पे एक्चुअल में GA-GID-1 डेला का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो उस टाइम पे जो है SCF कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विथ Sleepy-1 ये चले आते हैं और ये रिप्रेसर को पकड़ के देखिए पॉलीयूबिक्यूटिनेशन कर देते हैं, फिर रिसेप्टर का हो जाता है स्वाहा और वो हो जाता है डिग्रेड। अब ये कैसे होता है समझते हैं पूरे पाथवे को। अब ये हैंडमेड डायग्राम है क्योंकि आपको सब कुछ समझना है एक साथ, ठीक है, दिख रहा है पिक्चर सभी को, पावर में वो नाम होगा जो एफ बॉक्स प्रोटीन से बिलोंग करेगा। ओके, चलिए तो मैं 1x1 बढ़ती हूं आगे, सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। यस, TIR-1 फॉर ऑक्सिन, Sleepy-1 फॉर GA। अब देखिए क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या जर्मिनेशन बताओ, अच्छा चलो, ये जो सिग्नलिंग हम जिस सेल में बात कर रहे हैं वो सेल है एल्वेरॉन लेयर की सेल,
ठीक है, यानी जब एक सीड जर्मिनेट करता है तो उसके एल्विरॉन लेयर में जो है कुछ सिग्नलिंग चलती है। वो सिग्नलिंग क्यों चलती है, पहले एक स्टोरी समझ लीजिए। एक बीज है, उसको जर्मिनेट करना है, जर्मिनेशन के लिए उसको जिब्रेलिक एसिड चाहिए, तो वो जिब्रेलिक एसिड उसको मिल जाता है। लेकिन क्योंकि उस सीड के अंदर एक बेबी प्लांट है, तो वो बेबी प्लांट अब एक एम्ब्रियो फॉर्म में इमर्ज करेगा, यानी कि वो जन्म लेगा। अब जब वो ऐसा करेगा तो उसको खाने पीने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फूड चाहिए। तो जो जो भी उसने स्टोर करके रखा होता है फूड, उस स्टोर फूड को मोबिलाइज किया जाता है, यानी उसको स्टोर फॉर्म से यूजेबल फॉर्म में लाया जाता है, ताकि जो ग्रोइंग सीड है वो उसका इस्तेमाल कर सके। बट ये जो मोबिलाइजेशन होता है, यानी कि ये जो यूजेबल फॉर्म होता है, इसको बनाने के लिए फिर जिब्रेलिक एसिड ही उस सीड की मदद करता है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि ये मदद कैसे होती है। तो एक एंजाइम है जिसका नाम है अल्फा अमाइलेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, जो स्टोर्ड फूड होता है जिसे हम कहते हैं स्टार्च, उसको वो डिग्रेड करता है, ब्रेक डाउन करता है सिंपल कंपाउंड में। जब वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है तो सीड उसको इजीली एब्जॉर्व कर पाता है, क्योंकि सीड उसको स्टार्च फॉर्म में ही यूज नहीं कर सकता, क्योंकि स्टार्च जो है एक स्टोरेज फॉर्म है। ये है कहानी आपकी, ठीक है। अब ये कहानी को हम कनेक्ट करेंगे पूरे सिग्नलिंग पाथवे से। आपको पता चल गया कि ये हम सिग्नलिंग पाथवे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको एक सीड को जर्मिनेट करवाना है, उस जर्मिनेशन के दौरान उस सीड को खाना चाहिए, और खाना अभी अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, वो स्टोर्ड फॉर्म है, तो स्टोर्ड फॉर्म से हमको अवेलेबल फॉर्म में करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो समझते हैं क्या होता है। तो देखिए, ये मैंने एक सेल बनाई है जिसको कि हम कह रहे हैं एल्विरॉन सेल। अब क्या होता है, जो जिब्रेलिक एसिड है, दैट इज जीए है, जीए वन आप कह सकते हो, ये जीए वन क्या करता है, ये न्यूक्लियस के अंदर आता है, ठीक है। दिस इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर देखिए ये चला आया, दैट इज जीए वन। जीए वन आता है और ये यहां पर, मतलब कि अगर मैं अभी कंडीशन बताऊं, तो पहले से ही न्यूक्लियस के अंदर प्रमोटर एरिया पे, ठीक है, डेला बाइंड करके रखा है। डेला के पास अपना एक ग्रास डोमेन भी होता है, ठीक है। तो डेला अपने ग्रास डोमेन के साथ जो है प्रमोटर पे बाइंड करके रखा है। किसके प्रमोटर पे, GAMYB जीन के प्रमोटर पे। तो जब तक ये प्रमोटर ब्लॉक रहेगा, तब तक क्या GAMYB जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, राइट। तो डेला ने इस ट्रांसक्रिप्शन को रोक के रखा है, हेंस पूरी सिग्नलिंग उसने ब्लॉक करके रखी है। तो जब जिब्रेलिक एसिड चला आता है तो वो GID1 से बाइंड करता है। GID1 और जिब्रेलिक एसिड की जो बाइंडिंग होती है वो क्या करती है, वो डेला के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है। तो डेला फिर इस प्रमोटर को छोड़ के जाकर उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जैसे ही GID1, जिब्रेलिक एसिड और डेला का कॉम्प्लेक्स बनता है, दूसरी तरफ से एफ बॉक्स प्रोटीन अलॉन्ग विद द SCF कॉम्प्लेक्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और एफ बॉक्स प्रोटीन अलॉन्ग विद द SLEEPY1 प्रोटीन ये आते हैं सारे के सारे SCF कॉम्प्लेक्स के साथ, और यहां पे देखिए पॉलीयुबिक्यूटिनेशन कर देते हैं, ठीक है। पॉलीयुबिक्यूटिनेशन कर दिया, यानी कि एक तरीके से यूबिक्यूटिन ऐड कर दिए। स्पेशली यूबिक्यूटिन जो है ग्रास डोमेन पे ऐड होता है। अब जैसे ही ये जो डेला है, इसके ग्रास डोमेन पे यूबिक्यूटिन ऐड हुए हैं, इस डेला का हो गया डिग्रेडेशन, यानी हमने इनहिबिटर से छुटकारा पा लिया। क्योंकि इनहिबिटर का काम ही है कि भाई जब तक जिब्रेलिक एसिड ना हो तब तक पूरे पाथवे को तुम रोक के रखो। तो डेला हो गया डिग्रेड, अब ये पाथवे हो गया फ्री। पाथवे फ्री कैसे हुआ, जैसे ही डेला यहां से हटा, GAMYB जीन का यहां पर प्रमोटर फ्री हो गया, और इसका इजीली जो है ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और GAMYB mRNA फॉर्म में चला आया। अब आपको पता है कि GAMYB का जो प्रोडक्ट होगा वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा। अब एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है, प्रोटीन होता है,
तो अभी तो ये mRNA बना है, तो mRNA से प्रोटीन में चेंज होने के लिए इसको कहाँ जाना पड़ेगा, दैट इज साइटोसॉल में जाना पड़ेगा। मॉल बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो आपको अभी तक तो आइडिया हो ही चुका होगा इन सब चीजों का। तो mRNA से ये प्रोटीन में बनने के लिए जाएगा साइटोसॉल में, वहां पे प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी क्योंकि सारी की सारी साइटोसॉल में होती है, तो वहां पे ये प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, और प्रोटीन में कन्वर्ट होने के बाद ये वापस से न्यूक्लियस में एंट्री ले लेगा। और अब जो है ये GAMYB प्रोटीन है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम कर रहा है। अब ये क्या करेगा, अब ये गियर डोमेन पे आकर बाइंड करेगा जो कि होता है जिब्रेलिक एसिड रेस्पॉन्सिव एलिमेंट, और ये यहाँ पे बाइंड करके किस जीन का एक्टिवेशन करवाएगा, दैट इज अल्फा अमाइलेज जीन का एक्टिवेशन, यानी कि इसका ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। जब GAMYB प्रोटीन यहाँ बाइंड किया और अल्फा अमाइलेज जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो हमारे पास अल्फा अमाइलेज mRNA चला आया, फिर अल्फा अमाइलेज प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ। वो प्रोटीन एक एंजाइम की तरह काम करता है, उस एंजाइम को जो है वेसिकल में पैक करके दैट इज रिलीज कर दिया जाता है सेल के बाहर। और ये अल्फा अमाइलेज का काम होता है कि जो भी स्टार्च को स्टोर किया गया है एज अ स्टोरेज फूड, उसको अब ब्रेक डाउन किया जाए और रिलीज करवा दिया जाए, ताकि जो डेवलपिंग सीड है वो उस रिलीज्ड फॉर्म को इस्तेमाल करके खुद को ग्रो कर सके। इन दिस वे वी कैन से दैट द जिब्रेलिन एनहांस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अल्फा अमाइलेज mRNA। अपार्ट फ्रॉम दिस एक अलग से अल्टरनेटिव पाथवे भी चलता है जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे होता है, जिसमें कि कैल्मोड्यूलिन एंड प्रोटीन काइनेजेस काम करते हैं, और वो पाथवे भी जो है एक तरीके से अल्फा अमाइलेज को बाहर रिलीज करवाने में मदद कर सकता है। यस बताइए, क्लियर हुआ ये सिग्नलिंग पाथवे सभी को, कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है? सेल सिग्नलिंग में ये पढ़ा था, चलो बढ़िया है। GID can degrade of Della number. GID Della को degrade नहीं कर रहा है, GID Della से bind कर रहा है, उसका degradation करवाने का काम तो SCF complex का है। Alpha amylase mRNA जब बनेगा nucleus में तो फिर वो cytosol में आएगा, वहां पे वो protein बनेगा। प्रोटीन होने के बाद आपने सेल सिग्नलिंग में पढ़ा होगा प्रोटीन ट्रैफिकिंग, राइट? तो इसका प्रोटीन ट्रैफिकिंग किया जाएगा, वो वेसिकल फॉर्म में पैक होगा, उसके बाद वो दैट इज ER में आएगा, ER से फिर गोल्जी में जाएगा, गोल्जी से वेसिकल फॉर्म में वो सेल के बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, प्लांट फिजियोलॉजी तीनों मिक्स करती गई है, क्योंकि सिग्नलिंग इज इन्हीं सभी का ही कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे कहानी क्या चली थी कि अगर GNR है, इफ देयर इज नो GA, ठीक है, तो GID1 जो है वो इनएक्टिव ही पड़ा रहेगा, राइट? और जो डेला है, डेला जो है वो प्रमोटर पे बाइंड रहेगा और वो इनहिबिट करते रहेगा GAMYB के ट्रांसक्रिप्शन को, hence इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और अल्फा अमाइलेज नहीं बनेगा एंड जर्मिनेशन रुका रहेगा। सिंपल सी बात, राइट? लेकिन मान लीजिए GA प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो जो है GID1 के साथ मिलकर GA कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये भी जो है क्या करेंगे, ये डेला के साथ मिलकर एक और नया कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, दैट इज GID1 GA डेला कॉम्प्लेक्स। अब जब ये बनेगा तो फिर यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा SCF कॉम्प्लेक्स को अलॉन्ग विथ SLEEPY1 जीन फ्रॉम F बॉक्स फैमिली। अब ये सब क्या करेंगे, ये सब जो है
दैट इज डेला के पास एक और डोमेन है जिसे हम कह रहे हैं ग्रास डोमेन. इस ग्रास डोमेन पे जो है ये क्या कर देंगे, यूबिक्यूटेंस ऐड कर देंगे. इस यूबिक्यूटिन के ऐड होने के कारण देर विल बी अ डिग्रेडेशन बाय 26S प्रोटियोसोम पाथवे. डिग्रेड हो गया राइट. अब क्या होगा, अब क्योंकि ये यहां पे डिग्रेड हो गया है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जी ए एम वाई बी का ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ये एमआरएनए फॉर्म में आएगा. एमआरएनए से ये प्रोटीन फॉर्म में आएगा. इसका प्रोटीन फॉर्म कैसे काम करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा. फिर ये जाकर क्या करेगा, बाइंड करेगा डीआर डोमेन पे और वहां से ये क्या करेगा, दैट इज अल्फा अमाइलेज जीन का एक्टिवेशन करेगा जो कि अल्फा अमाइलेज प्रोटीन फॉर्म में आएगा. फिर इसकी क्या की जाएगी, टारगेटिंग की जाएगी इन वेसिकल्स और ये स्टार्च को ब्रेक करेगा और सीड को जर्मिनेट करेगा. ये स्टार्च जब ब्रेक होगा तो सीड को उसको खाना मिल जाएगा और सीड जर्मिनेट होगी. देवाशीष जी देखिए जरा, यहां तीनों डिग्रेड हो रहे हैं. ये छोड़िए, बुक का ही पिक्चर देख लीजिए कम से कम. ध्यान दीजिएगा कौन डिग्रेड होता है, जिस पे यूबिक्यूटिन ऐड होता है. क्या यूबिक्यूटिन सब पे ऐड हो रहा है, GID1 GA डेला सब पे ऐड हो रहा है यूबिक्यूटिन, नहीं तो सिर्फ डेला पे ऐड हो रहा है राइट, सिर्फ इनहिबिटर पे ऐड हो रहा है. तो जिस पे ऐड होगा सिर्फ वही तो डिग्रेड होगा. कॉमन सेंस यूज कीजिए, बार बार बोल रही हूं मैं. कल की क्लास में ही बताया कि जिस प्रोटीन पे यूबिक्यूटिन ऐड होगा वो डिग्रेड होगा. तो यहां तो सिर्फ रिप्रेसर पे यूबिक्यूटिन ऐड हो रहा है, तो खाली वही एक तरीके से रिप्रेस होगा, वही एक तरीके से डिग्रेड होगा ना, और सब क्यों डिग्रेड होंगे. क्लियर. और यहां पे भी इस डायग्राम में भी यही दिखाया है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है दैट इज दी डेला एंड ग्रास, यही सिर्फ डिग्रेड हो रहा है, बाकी तो सब डिग्रेड नहीं हो रहे हैं. हाँ, पहले ये खेल लो, पहले नाम नाम खेल लो, ये जरूरी है. ये 400 मार्क्स में जो है ये सवाल आएगा कि डी से कितने नाम जो है वेदमिकी क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे. यही पहले ये कर लो, उसके बाद बाकी सब हम करेंगे. बाकी सब तो ऐसे ही अनइम्पॉर्टेंट है, हम तो बस खेल रहे हैं, टाइम पास नहीं हो रहा है. तो जिबरेलिक एसिड करके खेल रहे हैं, टाइम पास नहीं हो रहा है, पहले ये वाला काम कर. क्लियर. तो ये मैंने आपको समरी दे दी. सिग्नलिंग की कैल्शियम पायल, कैल्शियम एक वन ऑफ द कैल्शियम डिपेंडेंट सिग्नलिंग पाथवे जो है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये वन ऑफ द पाथवे हो सकता है जो कि तरीके से अल्फा अमाइलेज के एक्टिवेशन में देखा जा सकता है. मतलब मेजर पाथवे जो मैंने आपको समझाया वो है. अपार्ट फ्रॉम दिस एक और पाथवे भी चल सकता है,
जिसमें कि कैलमोड्यूलिन एंड प्रोटीन काइनेज का जो पूरा का पूरा सिग्नलिंग होता है, आपने कैलमोड्यूलिन मीडिएटेड सिग्नलिंग पाथवे पढ़ा होगा सेल सिग्नलिंग में, उस पाथवे के द्वारा भी जो है अल्फा अमाइलेज जीन का ट्रांसक्रिप्शन करवाया जा सकता है। तो हम ये जो हमने बहुत डिटेल वाला पाथवे पढ़ा ना, उसको हम कैल्शियम इंडिपेंडेंट पाथवे कहते हैं। और एक और पाथवे चलता है जो कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे होता है। तो वो क्या करता है, वो एक्चुअल में अल्फा अमाइलेज जो बन चुका होता है ना, उसको दैट इज सेल के बाहर सिक्रीट करवाने में मदद करता है। ये वाला जो पाथवे है ना, ये वाला जो स्टेप है, इसको करवाने में मदद कर सकता है, दैट इज कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे। और ये जो सबसे लेंदी वाला पाथवे पढ़ा हमने, ये इनडिपेंडेंट पाथवे थे। जी बिल्कुल, कैल्मोड्यूलिन पे जो है चार कैल्शियम बाइंडिंग साइट होती है। सोनक सर बताए अच्छे से, चलो बढ़िया है। प्रियंका आप अगर लास्ट बैच के हैं तो आप फिर रिकॉर्डेड पे शिफ्ट कर सकती थी, तो क्योंकि आप ये ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, तो रिकॉर्डेड को अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकती थी, उसमें आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। अब ये जो मैंने आपको अभी समझाया है, इसको हम डायग्राम फॉर्म में देखेंगे ये कैसे हो रहा है। तो जब भी एक सीड जर्मिनेट होता है, तो आपको याद होगा मैंने डेप बायो की क्लास में आपको एक सीड जर्मिनेशन का एक एनिमेशन दिखाया था कि जब एक सीड जर्मिनेट होता है ना, तो उसको किन किन चीजों की जरूरत होती है, राइट? जैसे कि वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, लाइट, इन सभी चीजों की जरूरत होती है। और साथ ही साथ ये अलग अलग टाइप के फेजेस से भी होके गुजरता है। जैसे कि ड्राई सीड जो है, पहले उसको इम्बिब किया जाता है, यानी कि उसको सोक किया जाता है, ताकि वो उसका जो एम्ब्रियो है वो एक्टिव हो पाए। अब क्या होगा, वाटर अपटेक जो होता है बाय इम्बिबिशन मेथड डिक्लाइंस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्लूडिंग द ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आर री इनिशिएटेड। अब सीड सोक हो चुका है, उसका एम्ब्रियो एक्टिव हो चुका है, अब उसमें अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इन सबको एक्टिवेट किया जाता है। एम्ब्रियो फिर एक्सपैंड करता है, रेडिकल इमर्ज करते हैं फ्रॉम सीड कोट, और उसके बाद जो है फाइनल फेज में हमको देखने को मिलता है कि सीड जर्मिनेट हो रहा है। लेकिन उससे पहले जो स्टोर्ड फूड होते हैं, जो रिजर्व किए करके रखे जाते हैं, उनको मोबिलाइज किया जाता है, ताकि वो जो ग्रोइंग बेबी प्लांट है उसके लिए वो अवेलेबल हो पाए। ठीक है, एल्विरॉन लेयर रिस्पॉन्ड टू GA3। जेनेटिक स्टडीज हैव शोन दैट GA1 इज द ओनली बायोएक्टिव जिबरेलिन प्रोड्यूस्ड बाय द सीरियल्स। तो सीरियल्स में जो है GA1 एक तरीके से बायोएक्टिव जिबरेलिन की तरह काम करता है, बट एल्विरॉन लेयर जो है GA3 के लिए भी रिस्पॉन्स कर पात्र है। अब ये जो कहानी बताई है आपको, इसको हम पिक्चर के फॉर्म में समझते हैं। वो जो वहां पे हमने सिग्नलिंग देखी ना, वो सिग्नलिंग एक्चुअल में यहाँ के एक सेल में चल रही थी। तो कहानी क्या है, देखिए ये है एक ग्रोइंग एम्ब्रियो, फाइन। अब ये जो एम्ब्रियो है, इसमें जो जिबरेलिन का सिंथेसिस होता है वो एम्ब्रियो के द्वारा होता है। ये जो GA बना है, ये GA क्या कर दिया जाता है, ये देखिए इस एम्ब्रियो में ही दैट इज यहाँ पर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, स्टार्ची एंडोस्पर्म, जहाँ पे फूड जो है वो स्टार्च फॉर्म में स्टोर कर दिया गया है, यहाँ पर स्टोर कर दिया गया है। और ये जो एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटुलम, जो कि एक एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन होता है, यहीं से GA जो है डिफ्यूज करके स्टार्ची एंडोस्पर्म में पहुंचता है। और यहां से देखिए ये जो पिंक वाली लेयर है, इसे हम कह रहे हैं एल्विरॉन लेयर, ठीक है। एल्विरॉन लेयर में जो है एल्विरॉन सेल्स पाए जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, इन्हीं यही जो डॉट हैं, यही एल्विरॉन सेल्स हैं। इन्हीं एल्विरॉन सेल में हमने वो डिटेल वाली सिग्नलिंग पढ़ी अभी फिलहाल में।
तो अब ये जो जीए स्टार्ची एंडोस्पर्म में आता है वो फिर डिफ्यूज करता है कहाँ पे, दैट इज एल्वेरॉन लेयर में, एल्वेरॉन लेयर में भी कहाँ पे, एल्वेरॉन सेल में, और वहां पे वो वाली सिग्नलिंग चलाता है जो अभी हमने पढ़ी थी। उस सिग्नलिंग का लास्ट प्रोडक्ट क्या था? हाँ जी, उस सिग्नलिंग का लास्ट प्रोडक्ट क्या था? उस सिग्नलिंग का लास्ट प्रोडक्ट था दैट इज अल्फा अमाइलेज एंजाइम। तो वही होता है कि एल्वेरॉन सेल में जो है अल्फा अमाइलेज एंजाइम और अदर हाइड्रोलाइसिस जो होते हैं उनको एक्टिवेट किया जाता है। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो एक्टिवेट होकर ये सब की सब क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, यानी एक तरीके से ये जो भी यहाँ पर स्टोर्ड कंपाउंड है उसको ये ब्रेक करने का काम करेंगी। तो जैसे ही ये बन जाती है इनको रिलीज कर दिया जाता है स्टार्ची एंडोस्पर्म। यहाँ पर आके एंडोस्पर्म एरिया में जितना भी स्टार्च स्टोर होके रखा होता है और अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे स्टोर रहते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल मॉलिक्यूल में, क्योंकि स्टार्च फॉर्म में ग्रोइंग एम्ब्रियो उसको यूज नहीं कर सकता। अब ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल बने हैं ये वापस से जो है स्क्यूटुलम के द्वारा एब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, किसके कहाँ पे, एम्ब्रियो में। नाउ द एंडोस्पर्म सॉल्यूट आर एब्जॉर्ब्ड बाय द स्क्यूटुलम एंड ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, और फिर ग्रोइंग एम्ब्रियो को इसे भेज दिया जाता है ताकि ग्रोइंग एम्ब्रियो इसको प्रॉपर ढंग से काम करे, ठीक है, एम्ब्रियो का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सके और फाइनली जो है वो ग्रो कर सके। तो ये पूरी कहानी थी। इसी में से इन सेल्स में जो सिग्नलिंग चल रही थी जर्मिनेशन के लिए वो ये वाली थी, यानी ये वाली थी जो अभी हमने पढ़ा। कनेक्ट हो गया सारा स्लाइड? हाँ जी, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई कनेक्ट करने में, क्या हो रहा है यहाँ पर? ओके, चलो अब जरा सा म्यूटेशन केसेस को समझ लेते हैं। द एल्वेरॉन लेयर ऑफ राइस GID1 म्यूटेंट, अगर मान लीजिए म्यूटेशन केस में अगर हम बात करते हैं कि अगर एक म्यूटेंट है जिसमें GID1 म्यूटेंट है, वो GID1 म्यूटेंट है, तो क्या उसमें कभी जिब्रेलिक एसिड का जिब्रेलिक एसिड का सिग्नलिंग कभी हो पाएगा? क्या उसमें अल्फा अमाइलेज बनेगा? नो अल्फा अमाइलेज, राइट? ऐसे प्लांट में या फिर ऐसी सीडलिंग में कभी अल्फा अमाइलेज बनेगा ही नहीं जिसका GID1 म्यूटेंट है, क्योंकि सिग्नलिंग कहां से करेगी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट मान लीजिए म्यूटेशन हो गया एफ बॉक्स में, तब क्या होगा? म्यूटेशन इन एफ बॉक्स प्रोटीन, या फिर आप कहो कि म्यूटेशन इन SCF कॉम्प्लेक्स, या फिर बोलो कि SLI1 म्यूटेट हो गया, बताओ क्या होगा? बिल्कुल डेला डिग्रेड नहीं होगा। कौन बोला बायोसिंथेसिस नहीं होगा? भाई बायोसिंथेसिस का हम यहाँ पे कहाँ लेना देना रख रहे हैं?
क्या मैं दिखाई दे रही हूँ, क्या मैं सुनाई दे रही हूँ सबको? दिखाई नहीं दे रही हूँ, ऐसे कैसे नहीं दे रही हूँ भाई, दिखाई देना चाहिए। यस, सब क्लियर है अभी? सब क्लियर? चलिए ठीक है। थोड़ी देर के लिए हुआ था, जैसे मैंने कहा यहाँ पे पावर बैकअप है, कभी कभी होता है पावर बैकअप में भी गड़बड़ हो जाती है तो टाइम लगता है, अदरवाइज पता नहीं अभी कैसे आया है, अभी क्या पावर बैकअप से आया है या असली वाला लाइट आया है, पता नहीं, जैसे भी आया है चलो हम अपना काम करते हैं। उल्लू बना रहे हैं मैम, सब सही है। अच्छे, चलिए, तो कहाँ तक सुना था आपने? ये और लास्ट वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे ना, कि अगर एफ बॉक्स प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाए या SCF कॉम्प्लेक्स में म्यूटेशन हो जाए या स्लिपी वन जीन में म्यूटेशन हो जाए, क्या होगा? नो डेला डिग्रेडेशन। डेला का डिग्रेडेशन नहीं होगा, राइट? और अगर हम कहें तो क्या अल्फा अमाइलेज एंजाइम फिर बनेगा? जब डेला डिग्रेड ही नहीं होगा तो अल्फा अमाइलेज वाला पाथवे चलेगा कैसे भाई? हाँ बिल्कुल, किसी ने कहा था बायोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ये तो पूरा म्यूटेशन केस। हम लोग बायोसिंथेसिस में हमने SCF कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, एफ बॉक्स पढ़ा था, स्लीपी वन पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ना, तो यहाँ पे बायोसिंथेसिस का नाम कहां से आया? सिग्नलिंग वाले कंपोनेंट को हम डील कर रहे हैं तो सिग्नलिंग डिफेक्टिव चलेगी, ना कि बाकी सब चीजें। चलो नेक्स्ट। अब अगर देखा जाए तो जिब्रेलिन जो होता है वो नेगेटिवली रेगुलेट करता है अपने खुद के कंसंट्रेशन को इन अ सेल, जिसको कि हम नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन भी कहते हैं, ठीक है? सो बायोएक्टिव जिब्रेलिन जैसे कि हो गया GA4, ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स बायोसिंथेसिस पाथवे से जो है सिंथेसाइज होता है, जिसमें कि मल्टीपल एंजाइम आपको देखने को मिलते हैं। जो लास्ट के दो एंजाइम हैं, दैट इज GA20 ऑक्सीडेज एंड GA3 ऑक्सीडेज, ये जो एंजाइम्स होती हैं, हमने देखा कि ये क्या करती हैं, ये बायोएक्टिव जिब्रेलिन्स का फॉर्मेशन करवाती हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ जिब्रेलिन्स, जो डेला ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर होता है, ये एक्सप्रेशन, मतलब कि ये एक तरीके से क्या करता है, जो सिग्नलिंग पाथवे होता है, अगर उस टाइम पे जिब्रेलिन्स नहीं प्रेजेंट है तो उस टाइम पे डेला क्या करेगा, डेला जो है एक तरीके से आगे के फंक्शन को करने नहीं देगा, सिग्नलिंग पाथवे आगे बढ़ेगी नहीं। अब इसको समझने के लिए जो है हम एक पाथवे देखते हैं। अब ये पाथवे आपको देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इन्होंने बस थोड़ा बनाया हुआ है कॉम्प्लेक्स तरीके से, इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, ठीक है? ये देखिए, बोला है यहाँ पर GA परसेप्शन यानी GA को रिसीव किया गया, जैसे कि हो गया GA4, वो आया GID1 से बाइंड किया, फाइन, हमने देखा है ऑलरेडी। फिर ये कॉम्प्लेक्स ने रिप्रेसर से बाइंड किया, ओके ग्रेट। फिर स्लीपी वन यानी एफ बॉक्स प्रोटीन आया और बाकी सारे जो SCF कॉम्प्लेक्स थे उन्होंने इसके ऊपर यूबिक्यूटिन ऐड किया, हमने ये भी देख लिया। नेक्स्ट, अब क्या हो गया, डेला का डिग्रेडेशन हो गया, ठीक है? तो डेला का डिग्रेडेशन हो गया यानी कि अब जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग पाथवे आगे चलेगा। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए ये जो रिप्रेसर है, ये रिप्रेसर कौन है, दैट इज डेला, तो ये काम कैसे करेगा? तो अगर रिप्रेसर प्रेजेंट रहता है तो
तो ये प्लांट में होने वाले ग्रोथ जो कि जिब्रेलिक एसिड की वजह से हो रहे थे उनको रोकेगा, पहला पॉइंट। उम्मीद करती हूँ सबको क्लियर है। दूसरा, ये क्या करेगा, डेला स्टिमुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ सम जीन एंड रिप्रेस द अदर्स। जैसे कि डेला जो है वो GA20 ऑक्सीडेज को स्टिमुलेट कर सकता है, GA3 ऑक्सीडेज को स्टिमुलेट कर सकता है, और ये GA2 ऑक्सीडेज को जो है इनहिबिट कर सकता है। यहां देख सकते हैं आप नेगेटिव साइन लगाया है, यानी और जब GA20 एंड GA3 ऑक्सीडेज बनेगा तो ये GA बायोसिंथेसिस करवाएगा। सो GA इनहिबिट द लास्ट टू स्टेप्स इन द बायोसिंथेटिक पाथवे बाय कॉजिंग द डेला टू बी डिग्रेडेड। और इसी पाथवे को जो है डिटेल में यहां पे समझाया गया, यही पाथवे को हमने तोड़ तोड़ के लिखा था। तो हमने देखा कि GA को परसीव किया गया, GID1 के साथ बाइंड किया, और अगर हमें एक्टिव GA को रोकना है तो हमको पता है कि जो GA2 ऑक्सीडेज होते हैं वो क्या करेंगे, वो GA के एक्शन हाँ जी ऑडियो वीडियो क्लियर है। ज्यादा लंबा नहीं है इसलिए कंप्लीट कर लेने दीजिए इसको। हाँ जी फिर से बता दूंगी, टेंशन नॉट, फिर से बता दूंगी, टेंशन नॉट। पहले बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है चलो, तो हम अभी क्या समझ रहे थे, हम एक कहानी समझ रहे थे, क्या कि जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा मतलब कि रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। इस फीडबैक मैकेनिज्म में अगर आप ध्यान देंगे तो बायोसिंथेसिस पाथवे और सिग्नलिंग पाथवे दोनों को लिंक कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं कि GA2 क्या करता है, तो GA2 ऑक्सीडेज जैसे कि आपको पता है ये जिब्रेलिक एसिड यानी कि मेनली बायो एक्टिव जिब्रेलिक एसिड के फॉर्मेशन को रोकता है, यानी कि GA1 कह लेते हैं, दैट इज अ बायो एक्टिव, राइट। और दूसरी तरफ अगर मैं कहती हूं कि GA20 ऑक्सीडेज एंड GA3 ऑक्सीडेज ये क्या करता है, तो आप बोलोगे कि ये बायो एक्टिव जिब्रेलिन को बनाने में मदद कर। सभी लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से और यहां तक सबको क्लियर है, राइट। तो कहानी कुछ ऐसी है कि अगर जिब्रेलिन प्रेजेंट रहता है, देखिए जरा, अगर जिब्रेलिन प्रेजेंट रहता है तो ये वो सिग्नलिंग चलाएगा जो अभी अभी जस्ट हमने देखा, और उस सिग्नलिंग का रिजल्ट ये होगा कि डेला जो है वो डिग्रेड हो जाएगा। इस बात से भी सभी लोग एग्री कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इफ GA इज प्रेजेंट दैट विल लीड टू डेला डिग्रेडेशन। सभी लोग एग्री कर रहे हैं और मैं कोई नई बात नहीं कह रही हूं। डेला का डिग्रेडेशन कैसे होगा, वही सिग्नलिंग पाथ पे चला के जो अभी अभी जस्ट हमने देखा था, ठीक है। और अगर एक तरीके से GA नहीं रहा तो डेला जो है वो एक्टिव रहेगा। इस बात से भी सब लोग एग्री कर रहे हैं। तो जब GA नहीं रहता है तो डेला जो है एक्टिव रहता है, और डेला कोशिश करता है कि GA को और बनाया जाए, यानी कि GA के एब्सेंस में डेला जो है एक तरीके से पॉजिटिवली रेगुलेट करता है। किस किस को ये पॉजिटिवली रेगुलेट करता है, GID1 रिसेप्टर को, इसके अलावा GA20 ऑक्सीडेज को, अपार्ट फ्रॉम दिस GA3 ऑक्सीडेज को, और इन
तीनों को एक्टिवेट करवा के आपको पता है कि इन दोनों को एक्टिवेट करवा के बायोसिंथेसिस पाथवे को पॉजिटिवली रेगुलेट किया जा रहा है और इसको करवाकर दैट इज सिग्नलिंग पाथवे को रेगुलेट किया जा रहा है। यानी कि जीए ने डेला को दुश्मन समझ रखा है बट डेला जो है जीए के एब्सेंस में जीए की भलाई कर रहा है, उसको बनने का मौका दे रहा है। और अगर इस केस में मान लीजिए कि डेला ने जीए 20 ऑक्सीडेज जीए 3 ऑक्सीडेज के द्वारा बायो एक्टिव जिब्रिलिंस बना दिए, राइट, इनके द्वारा मान लेते हैं जीए 1 बन गया, तो आपको पता है अब क्या होगा, जीए 1 उस जीआईडी 1 से बाइंड कर जाएगा जिसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है डेला, और इन दोनों की बाइंडिंग क्या करेगी, डेला का स्वाहा कर देगी। यानी डेला इसकी भलाई कर रहा है लेकिन जब जीए बन रहा है तो जीए इसको रहने नहीं दे रहा है, तो डेला एक तरीके से अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से ये नेगेटिव रेगुलेशन काम करता है, जहां पर अगर जीए 20 ऑक्सीडेज एंड जीए 3 ऑक्सीडेज अगर एक्टिवेट हो गए तो वो डेला को बहुत लंबे टाइम के लिए रहने नहीं देंगे, और अगर जीए 2 ऑक्सीडेज काम कर रहा है तो वो डेला रिप्रेसर के डिग्रेडेशन को क्या करेगा, रोकेगा या बढ़ाएगा। व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट, इफ देयर इज अ एक्टिवेशन ऑफ जीए 2 ऑक्सीडेज विल दैट प्रमोट द डेला डिग्रेडेशन और विल इट प्रिवेंट द डेला डिग्रेडेशन। बिल्कुल, डेला जो है उसके लिए वही कहावत है कि भलाई का जमाना नहीं। अगर जीए 2 ऑक्सीडेज प्रेजेंट रहता है तो इट विल प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ दैट इज डेला रिप्रेसर। कैसे प्रिवेंट करेगा भाई, वो एक्टिव जिब्रिलिन को इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देगा, इनएक्टिव जिब्रिलिन तो रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेंगे तो सिग्नलिंग के लिए, तो डेला जिंदा रहेगा, नो डिग्रेडेशन। उसी चीज को देखिए, अब इस पाथवे से लिंक कीजिए, ये पाथवे देखिए जरा, ये जो रिप्रेसर है ये रिप्रेसर है डेला, ये कब की बात की जा रही है, व्हेन नो जीए। अब लिंक कीजिए जो मैंने बताया कि देखिए जीआईडी 1 को पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है, जीए 20 ऑक्सीडेज को पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है, जीए 3 ऑक्सीडेज को पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है, और जब ये इन सबको पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा होता है ना, तो उस टाइम पे ये जीए 2 ऑक्सीडेज को नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि अभी इसका मेन टारगेट है कि भाई जिब्रेलिक एसिड बन जाए, और जीए 2 ऑक्सीडेज बनाने में नहीं बिगाड़ने में काम करता है, उस दौरान ये जीए 2 ऑक्सीडेज को रोक देता है। बट जीए 2 ऑक्सीडेज भी बोलता है भाई तू मेरा लॉस कर ले, बट जब तुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ही काम आऊंगा। ठीक है, क्लियर, और ये पाथवे तो क्लियर हो ही गया होगा उम्मीद करती हूँ। तो ये जो कंबाइंड डायग्राम था जो कि इतना कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, इसका पूरा जिस्ट ये है। हाँ जी, क्लियर हुआ, आगे बढ़े। ओके, बट डेला बी लाइक आई डोंट लाइक यू। चलिए, पीसीडी ड्यूरिंग दी सीड जर्मिनेशन, प्रोग्राम सेल डेथ ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। अब जब सीड का जर्मिनेशन होता है ना, तो प्रोग्राम सेल डेथ देखा जाता है सीरियल एल्विरॉन में, एल्विरॉन जो लेयर होती है वहां पे प्रोग्राम सेल डेथ भी चलता है। यानी कि अगर देखा जाए तो सीरियल एल्विरॉन सेल आर स्पेशलाइज्ड एंडोस्पर्म सेल जो फंक्शन करते हैं सिंथेसाइज एंड सिक्रीट करने में ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि स्टार्ची एंडोस्पर्म में जो रिजर्व मटेरियल है उसको ब्रेक कर सके। ओके, एल्विरॉन सेल आर वाइबल इन द मैच्योर ग्रेन, जो मैच्योर ग्रेन होता है उसमें अच्छे खासे एल्विरॉन सेल वाइबल होते हैं, यानी सर्वाइव कर रहे होते हैं। लेकिन यही जो है एल्विरॉन सेल प्रोग्राम सेल डेथ शो करते हैं जब इनमें जर्मिनेशन शुरू होता है। ठीक है,
या फिर अगर आप इन एल्वेरॉन सेल को अलग से अगर जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट करोगे तब भी वो प्रोग्राम सेल डेथ शुरू करते हैं. प्रोग्राम सेल डेथ इज द पार्ट ऑफ सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन करवाना है तो प्रोग्राम सेल डेथ जरूरी है. तो इससे यानी आप ये समझ गए कि यानी जिब्रेलिक एसिड जो है वो इस प्रोग्राम सेल डेथ को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा. एंड दैट इज वाई देखा गया है कि अगर उस वक्त पे आप एबीए अप्लाई कर दें, एब्सेसिक एसिड अप्लाई कर दें, तो ये प्रोग्राम सेल डेथ को क्या करता है, एल्वेरॉन लेयर में पोस्टपोन कर देता है, स्लो डाउन कर देता है. यानी कि इसको जो है प्रोग्राम सेल डेथ को नेगेटिवली रेगुलेट कर सकता है ए बी ए. ठीक है, तो एल्वेरॉन सेल डेथ डज नॉट फॉलो द एपोप्टोटिक पाथवे फाउंड इन एनिमल सेल. Accumulation of spectrum of a nucleus proteases activities and the loss of organelles as a result of cellular autolysis. So, program cell death जो बाले एल्विरॉन सेल में होते हैं वो एक्चुअल में जो है एक तरीके से प्रोसेस होता है ताकि जो अनवॉन्टेड चीजें होती हैं वहां पे उनको एक तरीके से उससे गेट रिड हो जाया जाए, उससे छुटकारा पा लिया जाए और सेलुलर ऑटोलिसिस हो जाता है, यानी सेल का ब्रेकडाउन हो जाता है एंड देन जो है जर्मिनेशन वहां पे शुरू होता है. तो यहाँ पे वही बात की गई है कि जो स्क्यूटलम हुआ, एल्विरॉन सेल हुआ, इन सब एरिया में पीसीडी चल रहा होता है, प्रोग्राम सेल डेथ चल रहा होता है और वहां के जो कंटेंट होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ग्रोथ एंड जर्मिनेशन को प्रमोट करने में, दैट इज इन द एम्ब्रियो. यस, इसीलिए एबीए जो है सीड डॉर्मेंसी करवाता है, यानी सीड को डॉर्मेंट रखता है, इनएक्टिव रखता है और जिब्रेलिक एसिड सीड जर्मिनेशन करवाता है, यानी वो उस डॉर्मेंसी को, उस इनएक्टिवेशन को ब्रेक करता है क्योंकि वो पीसीडी करवा देता है तो सीड जर्मिनेट होने लगता है. एबीए बोलता है अपन करने नहीं देगा, इस वजह से पीसीडी डिले हो जाता है, सीड जर्मिनेशन डिले हो जाता है. अब आ जाता है फंक्शन. हाँ जी, वो हम एबीए के टाइम पे पढ़ेंगे. डिपेंडिंग पहला फंक्शन तो बहुत इजी है, दैट इज स्टेम इलोंगेशन. बताने की जरूरत नहीं है. अगर आप एक ड्रॉप वैरायटी है इसको आप जिब्रेलिक एसिड दे दीजिए, प्लांट जो है उस ड्रॉफिज्म से छुटकारा पा जाएगा, टॉल होने लगेगा. तो हम चाहें तो ड्रॉप शूट को ओवरकम कर सकते हैं अलग अलग टाइप के प्लांट में और स्टेम का इलांगेशन हम करवा सकते हैं GA1 का प्रोडक्शन बढ़ा के या बाहर से अप्लाई करके. तो प्लांट एक लंबी हाइट ले लिए. खुश कितने हैं दोनों? हाँ, तो छोटे वाले भी खुश हैं, लंबे वाले भी खुश हैं. अब आप में से जो लंबे हैं वो भी खुश हैं, मैं छोटी हूँ मैं भी खुश हूँ, तो खुश तो सबको रहना चाहिए ना. नेक्स्ट देखिए, जिब्रेलिक एसिड सीड जर्मिनेशन करवाता है एंड सीड डॉर्मेंसी को रिमूव करता है बाय द हेल्प ऑफ अल्फा अमाइलेज एंजाइम. पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया तो अब तो कोई घबला नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, जिब्रेलिक एसिड बोल्टिंग करवा सकता है, यानी ऐसे पौधे जिनमें स्टेम नहीं होती है उनमें भी स्टेम डाल सकता है. ये जो स्टेम का फॉर्मेशन हो गया रोजेट प्लांट में, इसे हम बोल्टिंग कहते हैं. जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कुछ पालक मार्केट में ऐसे आते हैं जिनमें लंबे लंबे स्टेम होते हैं, उसको कुछ कोई खास तरीके से खरीदता नहीं है. ठीक है, बिकॉज पालक इज समथिंग जो कि अपनी लीव्स के लिए जाना जाता है. अब स्टेम वाले पालक दिखते हैं तो उसको कोई खरीदना नहीं चाहता, तो वो जो उसमें आप इतना लंबा स्टेम देखते हो दैट इज व्हाट द बोल्टिंग, यानी इट इज द इलांगेशन ऑफ अ स्टेम इन द रोजेट प्लांट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, तो ऐसा केस जो है तभी होता है जब बहुत ज्यादा अमाउंट में जिब्रेलिन प्रोड्यूस हो रहा होता है तो ऐसे प्लांट में बोल्टिंग शुरू हो जाती है. इसके अलावा वर्नलाइजेशन, हमने ये भी पढ़ा है कि जिब्रेलिक एसिड जो है वर्नलाइजेशन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है और फ्लावरिंग प्रमोट कर सकता है, दैट इज इन द प्लांट. तो ये तो सब जाने माने फंक्शन है जो कि हम पूरे चैप्टर में ही कवर कर चुके हैं, तो रट्टाफिकेशन तो है नहीं. नेक्स्ट देखिए, सीडलेस ग्रेप्स की भी हमने कहानी पढ़ी थी स्टार्टिंग के ही स्लाइड्स में कि पार्थिनोकार्पी भी हो सकता है. अगर आप GA3 को स्प्रे कर देते हैं ग्रेप वाइन्स पे तो आपको फ्रूट का साइज लार्ज मिल जाता है और सीडलेस ग्रेप्स मिल जाते हैं. ओके, नेक्स्ट,
कैबेज में भी बोल्टिंग करवा सकता है GA3। हमने ये भी पिक्चर देखा था जो कैबेज इतने लंबे लंबे हो गए थे वो कैसे हुए थे, दैट वॉज एग्जाम्पल ऑफ बोल्टिंग। ठीक है, तो GA3 को अगर आप अप्लाई करते हो कैबेज में भी बोल्टिंग आ जाएगी। यस, पार्थिनोकार्पी ऑप्शन से भी हो रहा था। इसके अलावा माल्ट का प्रोडक्शन जो है वो भी GA3 को अप्लाई करके जो है देखा जा सकता है बार्ले ग्रेन्स में। एंड जो सीड अबॉर्शन होता है दैट इज प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन प्लांट्स, तो इस सीड अबॉर्शन को भी जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि मिनिमाइज किया जा सकता है जिबरेलिक एसिड को अप्लाई करके। नेक्स्ट, जिबरेलिक एसिड का फोटोमॉर्फोजेनेसिस में भी रोल होता है। अब ये कैसे होता है जरा सा इसको हम समझते हैं। तो एक ये देखिए एक वाइल्ड टाइप प्लांट है ये, ठीक है, ये एक वाइल्ड टाइप प्लांट है जो कि इतना लंबा हो रखा है, और दूसरा देखिए डेड टू म्यूटेंट है जिसको कि डार्क में ग्रो किया गया है, और ये भी डार्क में ही ग्रो हुआ है लेकिन ये वाइल्ड टाइप है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो लेंथ है हाइपोकोटाइल है वो लॉन्ग है, राइट, और इसके कॉटिलेडन भी क्या हैं, क्लोज्ड हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए इसका जो हाइपोकोटाइल है वो शॉर्ट है, ये मोटा है देखने में, थिक है, और इसके कॉटिलेडन जो हैं वो ओपन है। तो कुछ समझ में आ रहा है यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअल में? तो वही बोला है द डार्क ग्रोन डी इटियोलेटेड टू म्यूटेंट सीडलिंग ऑफ अरेबिडोप्सिस ऑन द लेफ्ट हैज शॉर्ट थिक हाइपोकोटाइल एंड ओपन कॉटिलेडन, द डार्क ग्रोन वाइल्ड टाइप इज ऑन अ राइट साइड। तो एक वाइल्ड टाइप दिया है और एक डेड म्यूटेंट दिया है, डेड म्यूटेंट यानी डी इटियोलेटेड जीन का म्यूटेशन हो गया है। इसमें जो एंडोजीनस जिबरेलिन्स था किसमें, इस वाले में जो एंडोजीनस जिबरेलिन्स था इसने क्या करवाया, हाइपोकोटाइल सेल का इलोंगेशन करवाया जिसकी वजह से ये प्लांट लंबा हो गया। फोटोमॉर्फोजेनेसिस इज सप्रेस्ड इन डार्क बाई जीए, यानी कि डार्क की अगर हम बात करते हैं तो डार्क में जीए जो है वो क्या करता है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस को रोकता है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए जरा ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस को रोक रहा है तो ये करवा क्या रहा है एक्चुअल में? ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फीचर्स, ये किसके फीचर्स हैं? ये जो वाइल्ड टाइप में आप फीचर्स देख रहे हैं, प्लांट लंबा हो गया है, कॉटिलेडन क्लोज्ड है, इसके स्टेम काफी वीक है, तो ये किसके फीचर्स है एग्जैक्टली? यानी कि जीए इनडायरेक्टली फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवा रहा है। एक और फैक्टर होता है जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाता है, कोई आइडिया है? एक और हमने पढ़ा था फाइटोक्रोम में, क्या नाम है, बिल्कुल PIF। तो यानी आपको क्या लगता है जी और PIF के बीच में कुछ अच्छा रिलेशन होगा या खराब रिलेशन होगा? दोनों के देखिए टारगेट एक ही है, PIF भी सेम काम करता है, PIF भी यानी फाइटोक्रोम इंटरैक्टिंग फैक्टर, ये भी फोटोमॉर्फोजेनेसिस को रोकता है और फोटो को करवाता है, जीए भी सेम काम कर रहा है, यानी बिल्कुल दोनों दोस्त की तरह काम करेंगे यहाँ पे क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम। फिर आता है हमारे पास डेला। डेला का काम क्या होता है? डेला का जो फर्स्ट टारगेट होता है वो होता है PIF, ठीक है। तो जब डेला प्रेजेंट रहता है तो वो PIF को रोक देता है, लेकिन
जब जीए प्रेजेंट है तो जीए क्या करेगा, जीए डेला को रोक देगा। क्या डेला पीआईएफ को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। हेंस वही होगा, ऑटो को रोक देना, स्कोटो को करवा देना। ये हो गया रिलेशन इसमें, ठीक है। तो अगर स्कोटो होगा तो आपको पता है स्टेम का इलोंगेशन होगा, दैट इज इन डार्क। इस तरीके से रिलेट करके ये लोग काम करते हैं। तो जब डेला एक्टिव रहता है तो वो पीआईएफ को रोक देता है, हेंस पीआईएफ को रोकता है। तो मुझे बताइए डेला का फोटोमॉर्फोजेनेसिस के साथ यहां आप क्या रिलेशन निकालेंगे, बताओ। कंक्लूजन आप बताओ, व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ डेला विथ फोटोमॉर्फोजेनेसिस। बिल्कुल पॉजिटिव होगा, क्यों? डेला पीआईएफ को रोक रहा है, पीआईएफ रुका तो वो फोटो को नहीं रोक पाएगा और वो दैट इज स्कोटो को नहीं कर पाएगा। तो पीआईएफ रुका तो ऑब्वियसली स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस तो नहीं होगा, तो अब कौन होगा? तो अब फोटो होगा, फोटो मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है, बताओ। डेला इतने अच्छे काम कर रहा है, फिर भी डेला को हम दुश्मन समझ रहे हैं। अब देखिए कुछ बच्चे इसको रटेंगे, बट आपको पता है हम यहां रिलेशन खुद ही बनाते जा रहे हैं। रिलेट कीजिए ना कि जीए लंबाई दे रहा है, यानी कि लंबाई हमें कब मिलती है? स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस में मिलती है, तो स्कूटो दे रहा है तो वो पीआईएफ के साथ रिलेशन रखता है पॉजिटिव का, और वो डेला के साथ, जीए का डेला के साथ नेगेटिव रेगुलेशन होता है। तो जो काम जीए कर रहा है तो वो डेला नहीं करेगा, डेला उसका उल्टा करेगा। तो अगर जीए स्कूटो करवा रहा है तो डेला फिर फोटो करवाएगा, राइट? तो ये हो गया किस तरीके से जीए का इफेक्ट होता है फोटोमॉर्फोजेनेसिस पे। नेक्स्ट आता है फ्लावरिंग। तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिबरेलिन जो है वो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है अरबिडोप्सिस में, लीफी जीन को एक्टिवेट करवा के, ठीक है। और एक्टिवेशन ऑफ अ लीफी बाय जिबरेलिन इज मीडिएटेड बाय अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर GAMYB, जो कि डेला को नेगेटिवली रेगुलेट करता है और लीफी जीन का एक्टिवेशन करवाता है। ये पाथवे याद होगा आपको, हमने यहाँ पे देखा था, ये हमने ये देखा था कि भाई जिबरेलिन जो है वो किस तरीके से यहाँ पर काम करते हैं, किस तरीके से वो फ्लावरिंग प्रमोट करते हैं। तो मैंने आपको कहा था इसके बारे में मैं जिबरेलिक एसिड में बात करूंगी, तो इसको मैं वापस से लेकर आई हूँ, ठीक है। तो इसमें हमने ये वाला एक पॉइंट देखा था, ये देखिए, द जिबरेलिन पाथवे इज रिक्वायर्ड फॉर द अर्ली फ्लावरिंग एंड फॉर फ्लावरिंग अंडर द नॉन इंडक्टिव शॉर्ट डे। जिबरेलिन पाथवे इन्वॉल्व द GAMYB, जो कि आपको उस दिन समझ में नहीं आया था, अब आपको पता चल गया व्हाट इज GAMYB। यस, मैंने होल्ड करने को कहा था। एज एन इंटरमीडिएटरी विच प्रमोट द लीफी, जिबरेलिन में ऑल्सो दैट इज इंटरैक्ट विद द SOC1 बाई अ सेपरेट पाथवे। तो यहीं पे जो है जो जिबरेलिक एसिड पाथवे है वो GAMYB को एक्टिवेट करके लीफी जीन का एक्टिवेशन करवा सकता है और फ्लावरिंग करवा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर आप किसी प्लांट में बाहर से एक्सोजीनस जिबरेलिन्स को अगर आप अप्लाई करते हो तो प्लांट में आप फ्लावरिंग करवा सकते हो। और अगर आप मान लीजिए कोई लॉन्ग डे प्लांट है और वो रोजेट फॉर्म में है, उसमें भी अगर आप जिबरेलिन अप्लाई करते हो तो वो जो है अपने रोजेट फॉर्म को एक तरीके से अवॉइड कर सकता है, ठीक है। और ये तो हमने देख लिया कि लीफी जीन कैसे काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कभी भी किसी प्लांट में अगर आप जिबरेलिक एसिड अप्लाई करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे वो सिग्नलिंग पाथवे के द्वारा उस पूरे के पूरे फंक्शंस को रेगुलेट करता है। या फिर मान लीजिए कि अगर आप बायोसिंथेसिस पाथवे को किसी प्लांट में एक्टिवेट करते हो,
जो पाथवे हमने बायोसिंथेसिस का पढ़ा था, उसी बायोसिंथेसिस पाथवे से जो है जिब्रेलिक एसिड एक तरीके से सिंथेसाइज होगा। उसके बाद उसको किस टाइप के फंक्शन करना है, ये जो हमने जितने फंक्शन देखे हैं, तो जिस प्लांट में या जिस प्लांट के पार्ट में जिस टाइप के फंक्शन की जरूरत होगी, उस टाइप के फंक्शन देखे जाएंगे। तो जिब्रेलिन्स जो है वो भी फ्लावरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इथिलीन की बात करूं तो देखा गया है कि ये जो पाइनएप्पल प्लांट होते हैं उनमें ये स्पेशली फ्लावरिंग करवाते हैं। ओके, तो ये जो हमने फोटोमॉर्फोजेनेसिस देखा था ना, देखिए इसका एक डायग्राम भी यहां पर दिया गया है। ये देखिए रिप्रेसर जो होता है डेला, वो पीआईएफ को, पीआईएफ थ्री या फोर जो भी बोल लीजिए, इसको ये पकड़ के रखता है, यानी इनहिबिट कर देता है। हेंस जिब्रेलिक एसिड का जो भी रेगुलेशन होता है वो नहीं हो पाता है, जिब्रेलिक एसिड मेडिएटेड कोई रोल नहीं हो पाता है। लेकिन जब जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट है उस टाइम पे ये क्या करता है, ये रिप्रेसर को अपने दोस्तों के द्वारा डिग्रेड करवा देता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पीआईएफ एक्टिव हो जाता है। पीआईएफ एक्टिव हो जाता है तो वो क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन करता है, जिसमें कि मेनली वो स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो आ जाता है इफेक्ट ऑफ एबीए ऑन जीए। एबीए का इफेक्ट जीए पे कैसे होता है, तो हमको तो पता ही है उल्टा होता है, यानी कि जहां पर सीड में डॉर्मेंसी रहेगी, समझ लीजिए वहां पर एबीए प्रेजेंट है, और जहां पे सीड में डॉर्मेंसी ब्रेक होगी या फिर जर्मिनेशन होगा, उस केस में कौन प्रेजेंट है, उस केस में प्रेजेंट है जिब्रेलिक एसिड। और ये कैसे हो पाता है, एक्चुअल में एबीए इनहिबिट करता है जिब्रेलिन्स को, कैसे, ये जो जिब्रेलिन जो एंजाइम बना रहा है दैट इज अल्फा अमाइलेज एंजाइम, उस पर ये काम करता है। ABA inhibit gibberellin dependent alpha amylase synthesis by inhibiting the transcription of alpha amylase mRNA by two mechanism. तो alpha amylase जो एंजाइम होता है उसका जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है उसको दो मैकेनिज्म के द्वारा ABA रोकता है। पहले वो क्या करता है, अ प्रोटीन ओरिजिनली आइडेंटिफाइड एज अ एक्टिवेटर ऑफ ABA induced जीन एक्सप्रेशन, जिसे हम VP1 कहते हैं, इट एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर ऑफ सम gibberellin रेगुलेटेड जीन। तो ये VIP1 प्रोटीन के द्वारा जो है, जो जिब्रेलिन रेगुलेटेड जीन होती हैं जो कि अल्फा अमाइलेज को बनाने में मदद कर सकती हैं, उन जीन्स को ये रोक सकता है, और ये VP1 जो है ABA के द्वारा एक्सप्रेस करवाया जाता है। ठीक है, मतलब कि ABA ने VP1 को सुपारी दी है कि जा तू उन जीन्स को रोक दे जिस जीन्स की वजह से अल्फा अमाइलेज बनेगा, और अल्फा अमाइलेज सीड जर्मिनेशन करवाएगा। Hence, there will be no seed germination. अगला, ABA repress the gibberellin induced expression of a GAMYB. और इसके अलावा ABA जो है GAMYB को repress कर देता है, जो कि खुद ही एक transcription factor है, और अगर अब ये transcription factor एक तरीके से रुक गया तो सीधी सी बात है अल्फा amylase जो एंजाइम होगा वो नहीं बनेगा, क्योंकि याद कीजिए GAMYB transcription factor ही जो है अल्फा amylase जीन का transcription करवा रहे थे। तो ये चली आती है हमारे पास फंक्शन की एक समरी। सीड जर्मिनेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ डॉर्मेंसी में जिब्रेलिक एसिड रोल प्ले करता है, बोल्टिंग सब कुछ प्लांट्स में बोल्टिंग करवाता है, फ्लावरिंग करवाता है बाय लीफी जीन एक्टिवेशन एंड वर्नलाइजेशन, पार्थिनोकार्पी करवाता है, माल्ट प्रोडक्शन करवाता है, स्टेम का इलोंगेशन करवाता है, पीसीडी को प्रमोट करता है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, PIF का एक्टिवेशन करवाता है जिससे कि स्टेम का इलोंगेशन होता है डार्क में, यानी इटियोलेशन यानी स्कोटोमॉर्फोजेनेसिस करवाता है, ड्रॉफिज्म को प्रिवेंट करता है, सीड अबॉर्शन को प्रिवेंट करता है, और फूड साइज को इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द स्टॉक इलोंगेशन, स्टॉक इलोंगेशन करवाता है, यानी कि वो जो, जैसे मान लीजिए अगर मैं ग्रेप्स की बात करती हूँ तो ग्रेप्स ऐसे जुड़े रहते हैं राइट, तो आपको पता है कि ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है स्टॉक, ये स्टॉक का इलोंगेशन करवाता है ताकि एक एक फ्रूट को अच्छा स्पेस मिले ताकि वो अपना साइज बड़ा कर सके, क्योंकि जब स्टॉक बड़े रहेंगे तो इस तरीके से बड़े बड़े फ्रूट जो हैं वो लग पाएंगे। ठीक है, ये कब, जीए के साथ,
और मान लीजिए अगर आपने जीए नहीं दिया है तो लेट सपोज ये है स्टॉक, देख रहे हैं आप ऐसे रहेंगे, तो आप खुद सोचिए एक एक फ्रूट को कितना जगह मिलेगा वहां पे, कितना स्पेस मिलेगा। तो ये विदाउट जीए हैं तो ये छोटे ही रह जाएंगे क्योंकि स्पेस नहीं मिल रहा, क्योंकि इनका स्टॉक का इलांगेशन ज्यादा नहीं हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने स्टॉक का इलांगेशन कर दिया है, हेंस जो फ्रूट का साइज है वो लार्ज हो जा रहा है। ठीक है, लो जी खत्म हो गया आपका जिपलिक एसिड।